हेलो एवरीवन आई एम सी एस करने एंड आई होप यू आर डूइंग गुड सो गाइस आज मिले हैं ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स रिवाइज करने बहुत अच्छे से हम ट्रस्ट रिवाइज करेंगे पूरा एंड साथ में एग्जिट टैक्स भी रिवाइज करेंगे और सर क्या हम सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं नहीं बेटा हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन भी साथ में करने वाले हैं राइट तो आई थिंक वी आर लाइव एंड ऑडियो वीडियो प्रॉपर है मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में कि क्या हम लाइव हैं एंड क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है यस आई थिंक वी आर लाइव एन ऑडियो वीडियो प्रॉपर है राइट right? लाइव है ओके okay, बेटा ओके okay. ठीक है बेटा ठीक है तो बेटा अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम ट्रस्ट स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट में बेटा आपको ये जो नोट्स है ये नोट्स मिल सकते हैं टेलीग्राम चैनल से मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ऑलरेडी है आपके लिए फ्री में वहाँ डाउनलोड कर लीजिए आप फाइल सेक्शन में स्मार्ट नोट्स और वहां से आप देख सकते हैं ठीक है तो लेट स्टार्ट चलो तो बेटा ट्रस्ट में देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि चैरिटेबल पर्पस क्या होता है व्हाट इज कॉल्ड अ चैरिटेबल पर्पस चैरिटेबल पर्पस होता क्या है सर तो देखो रिलीफ ऑफ पुअर चैरिटेबल पर्पस मतलब गरीबों की सेवा करना मेडिकल रिलीफ चैरिटेबल पर्पस एजुकेशन पढ़ाई चैरिटेबल पर्पस योगा से ही होगा ठीक है योगा भी आता है उसमें सब प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट ठीक है ये सब डाल दिया उनने अब ना उन लोग ना, ना नाम डालते डालते थक गए बोले कितने नाम डालेंगे हम कितने नाम डालेंगे ऑलरेडी छः नाम डाल दिए हैं और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो लिए हो तो हम क्या करते हैं ना एक पॉइंट डाल देते हैं हम एक पॉइंट डाल देते हैं सर कि ना जिसमें न अब किसी को और कुछ काम करना है इसके अलावा तो वो उसमें आ जाए

हम भी कुछ ना कुछ काम करेंगे पर लोग इसमें फिर क्या करने लग गए लोग बिजनेस करने लग गए इसमें लोग करने लग गए बिजनेस बोले बिजनेस करेंगे हम तो ठीक है तो फिर हमको समझ में आया कि यार लोग एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू के नाम से तो बिजनेस कर रहे हैं लोग इस नाम से तो बिजनेस कर रहे हैं तो एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं कि भाई इसमें एक लिमिट डाल देते हैं इफ इट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू अगर उसमें कोई भी एक्टिविटी है रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस अगर उसमें कोई भी एक्टिविटी है trade, और उसका रिसीट्स अगर ट्वेंटीबल तो नहीं है देखो भैया आपका अगर टोटल रिसीट्स में से ट्वेंटी परसेंट के ऊपर बिजनेस की रिसीट्स है तो आप तो यार बिजनेस कर रहे हो आप चैरिटी के लिए नहीं कर रहे हो आप चैरिटी नहीं कर रहे हो नहीं नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो।, mm -hmm, no, 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 हो तो हम क्या बोलेंगे कि जीपीयू जो होता है एनी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू इसको हम चैरिटेबल परपज कब बोलेंगे अगर जो बिजनेस की रिसीट्स है ना इट इज नॉट मोर देन ट्वेंटी टोटल रिसीट्स इट इज नॉट मोर देन ऑफ टोटल टोटल रिसीट्स ठीक है ओके सर अगर सर ट्वेंटी से ऊपर चले गई तो तो क्या होगा तो क्या सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा क्या नहीं उस साल के लिए एग्जिम्शन नहीं मिलेगा पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा उस साल के लिए एग्जेंशन नहीं मिलेगा बट रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा ठीक है ओके सर सेक्शन इलेवन वन पढ़ते इनकम ऑफ ट्रस्ट कौन सी कौन सी ट्रस्ट की इनकम एक्जेम होती है कौन सी कौन सी एक्जेंट होती है तो सर कॉर्पस डोनेशन एक्जेंट होता है सर बट इसमें एक बहुत है क्या ये एग्जाम तभी होगा अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया होगा इलेवन फाइव के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स में अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया होगा इलेवन फाइव के सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स में तभी एक्ज होगा अच्छा सर फिफ्टीन परसेंट ऑफ ग्रॉस इनकम भी एक्जेम होती है जो भी इनकम आती है उसमें से फिफ्टीन परसेंट अपन एग्जाम कर देते हैं एंड इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज इन इंडिया फ्रॉम रिमेनिंग एटी फाइव परसेंट और एटी फाइव परसेंट में से अब आप जो भी इनकम अप्लाई करोगे फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज तो वो भी क्या होगी आपकी एग्जाम हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी एग्जाम हो जाएगी ठीक है अब नोट्स की बात करते हैं सर कुछ नोट्स क्या अप्लाइड का मतलब क्या होता है वॉट इज मेंट अप्लाइड इज मेंट बाई अप्लाइड तो अप्लाइड मतलब देखो कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपलाइड होता है मतलब सर कैपिटल भी कर सकते हो आप रेवेन्यू भी कर सकते हो कैपिटल भी कर सकते हो रेवेन्यू भी कर सकते हो सर आपने डोनेशन दिया अदर ट्रस्ट को जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए ट्वेल्व ए बी और टेन ट्वेंटी थ्री सी चलेगा ये भी ये भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है और रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट आपने अगर लोन लिया है और उसका रीपेमेंट कर रहे हो आप तो उसको भी हम क्या मानते हैं उसको भी हम एप्लीकेशन मानते हैं सर हमने लोन लेके अप्लाई किया ठीक है लोन लिया और अप्लाई कर दिया अमाउंट तो क्या उस टाइम पे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे बेटा पहले मानते थे पहले मानते थे अब नहीं मानेंगे अब नहीं मानेंगे अब क्या बोलते हैं हम देखो आपने टेन लाख का लोन लिया टेन लाख खर्चा कर दिया उसको अपलायड नहीं मानेंगे आप टेन लाख में से जब लोन का रिपेमेंट करोगे मान लो आपने रिपेमेंट किया थ्री लाख का लोन का तो थ्री लाख हम अप्लाइड मानेंगे हम क्या करेंगे हम थ्री लाख अप्लाइड मानेंगे मतलब आपने जो भी रिपेमेंट किया उसको भी अप्लाइड मानेंगे ठीक है सर डोनेशन टू अदर ट्रस्ट तो कर दिया हमने बट सर हमने कॉर्पस डोनेशन किया अब आप ही बताओ कि देखो कॉर्पस डोनेशन तो जिस ट्रस्ट को मिलती है उसके हाथ में एग्जम्ट होती है अगर किसी ट्रस्ट ने एज अ कॉर्पस डोनेट किया किसी और को ठीक है तो जिसको मिली उसके हाथ में भी एग्जाम्ट जिसने डोनेट किया है उसको भी अपने अप्लाइड मान लिए तो दिक्कत हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई कि देखो हम कॉर्पस जिसको मिली उसके हाथ में एक्जेंट कर रहे हैं ना तो आप अगर डोनेशन करोगे किसी और ट्रस्ट को एज कॉर्पस आप डोनेशन करोगे किसी और ट्रस्ट का स्कॉर्पस तो उसको हम अप्लाइड नहीं मानेंगे उसको हम अप्लाइड नहीं मानेंगे राइट ओके सर कॉस्ट ऑफ एसेट अगर अपन ने अप्लाइड में ले लिए तो फिर से क्या डेप्रिसिएशन अप्लाइड में लेंगे क्या सिंपल सी बात है अगर कॉस्ट ऑलरेडी अप्लाइड में ले ली अपन ने तो डेप्रिसिएशन फिर से अप्लाइड में नहीं लेंगे अगर कॉस्ट नहीं लेते तो फिर अपन डेप्रिसिएशन ले सकते थे ठीक है ओके सर फोर्टी ए आई है फोर्टी एट थ्री फोर्टी एट थ्री ए इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रस्ट देखो फोर्टी ए आइए फोर्टी एट थ्री फोर्टी एट थ्री है ये, ये, ये भी एप्लीकेबल होता है ट्रस्ट के केस में मतलब सर देखो फोर्टी ए आइए याद आ रहा है कि तुमको डिसलाउंस होता है अगर आपने टी डी एसजेक्ट नहीं किए थर्टी परसेंट डिसलाउंस पी जी बी पी ठीक है फोर्टी एट थ्री क्या होता है कैश पेमेंट ग्रेटर देन टेन थाउजेंड किए तो डिसउंस फोर्टी एट थ्री क्या होता है सब पिछले साल का अप्रूवल था ठीक है अपन इस साल पेमेंट किए पर इस साल पेमेंट जो किए उसमें कैश पेमेंट टेन थाउजेंड के ऊपर कर दिए तो डिसअलाउंस होता है ठीक है ये सब डिसउंसेस ट्रस्ट को भी एप्लीकेबल है अगर ट्रस्ट ने ऐसा कुछ किया तो एक्सपेंस होगा मतलब वो अप्लाइड में नहीं ले जा जाएगा उसको हम अप्लाइड नहीं मानेंगे उसको हम अप्लाइड नहीं मानेंगे ठीक है सर देखो अगर एटी फाइव परसेंट अप्लाई नहीं हुआ इफ एटी फाइव परसेंट इज नॉट अप्लाइड तो क्या उसको अप्लाइड में फिर भी ले सकते हैं देखो अपना क्या है कि हंड्रेड रुपीज की इनकम है फिफ्टीन तो वैसी है बचा एटी फाइव तो इसको हम इसमें जितना खर्चा करते हैं उतना अप्लाइड माना जाता है उतना एग्जाम हो जाता है तो देखो मान लो अपने और ट्वेंटी बच गया अब ट्वेंटी आपका टेक्सबल होगा तो अपन क्या कर सकते हैं अपने को ना मान लो अगर वो ना एकदम आखिरी में मिला थर्टी मार्च को मिला या थर्टी फर्स्ट मार्च को मिला या फिर ना मिला पर कुछ रीजन अपन कर नहीं पाए खर्चा तो अपन ये क्या बोल सकते हैं ए ओ को अपन क्या बोल सकते हैं सर सुनो ना प्लीज़ मैं ना इस बार ना खर्चा नहीं कर पाया मैं इस बार ना खर्चा नहीं कर पाया मैं ना अगले साल पक्का खर्चा कर दूंगा मतलब मैं ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाया मैं नेक्स्ट ईयर पक्का अप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट ईयर पक्का अप्लाई कर दूंगा तो ये बोलेगा पक्का कर देगा तो हम बोलेंगे हाँ कर दूंगा अगर तूने नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं किया अगर तूने नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं किया तो तेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम बना देंगे हम तेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम बना देंगे ठीक है सर मैं तो अप्लाई कर ही दूंगा ओके तो अस्सी विल गिव डिक्लेरेशन टू दैट वी विल अप्लाई इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर कोई भी रीजन से वो नहीं कर पाया तो टिल वेन कब कब तक देना पड़ेगा डिक्लेरेशन शुड सबमिट इट बिफोर ड्यू डेट ऑफ आर वाई ड्यू डेट ऑफ आर वाई के पहले सबमिट करना पड़ेगा डिक्लेरेशन सर अगर अप्लाई नहीं किया तो इफ नॉट अपलाइड तो इट विल बिकम इनकम ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर अगर अपलाई नहीं किया तो इनकम बन जाएगी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की अगर अप्लाई नहीं किया तो इनकम बन जाएगी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की राइट ओके 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 okay, सर अब नेक्स्ट बात करते हैं सर हम मान लो सर ये तो आपने बोले कि पैसा आखिरी में आया या फिर हम कोई रीजन से कर नहीं पाए अगर पैसा आया ही नहीं तो पैसा आया ही नहीं तो क्या करेंगे तो फिर यार हम जाएंगे एओ के पास एओ को बोलेंगे सर देखो ना सर पैसा आया नहीं हमारे पास हम एओ को बोलेंगे सर पैसा आया नहीं ठीक है तो ट्रस्ट विल गिव गिफ्ट डिक्लेन टू दैट अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फिर अपन ए क्या बोलेंगे सर देखो जिस साल आएगा उस साल हम खर्चा कर देंगे जिस साल आएगा उस साल हम अप्लाई कर देंगे एओ ने बोला मुझे बता जिस साल देखो आएगा उस साल भी एकदम थर्टीएथ मार्च को आया तो फिर मेरे पास आएगा कि सर इस साल आ तो गया है पर ना थर्ट थर्टीएथ मार्च को हम हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं फिर से तू मेरे से नेक्स्ट ईयर की बीक मांगेगा ठीक है एक काम कर ठीक है तू एक काम कर या तो इन द ईयर ऑफ रिसीट कर ले खर्चा ठीक है जिस साल मिला उस साल कर ले और तेको मैंने एक ईयर और दिया एक साल को और दिया वन ईयर और दिया नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिसीट इसमें कर ले ठीक है मतलब तू क्या कर या तो जिस साल मिला उस साल कर ले या फिर उसके नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर कर ले ठीक है बट अगर तूने उसके नेक्स्ट ईयर नहीं किया जिस साल मिला उसके नेक्स्ट ईयर नहीं किया तो उसके नेक्स्ट ईयर की तेरी इनकम बना दूंगा मैं ठीक है तो एस क्या करेगा ट्रस्ट क्या करेगा विल गिव डिक्लेरेशन टू एओ दैट अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग कब तक ड्यू डेट ऑफ आर के पहले एस एस विल अप्लाई इट वैन रिसीव्ड एस एस अप्लाई कर देगा जब रिसीव होगा ठीक है वैन वैन देखो इन द ईयर ऑफ रिसीट या तो इन द इन द ईयर ऑफ रिसीट कर देगा या फिर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिसीट अगर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिसीट नहीं किया तो इट विल बिकम इनकम ऑफ दिस ईयर इट विल बिकम इनकम ऑफ दिस ईयर ठीक है ओके नेक्स्ट सर एक्सप्लेनेशन थ्री ए पढ़ेंगे अपन अभी एक्सप्लेनेशन थ्री ए सर ये क्या है सर वॉट इज दिस ये क्या है तो देखो कि ये क्या बोलता है किसी ट्रस्ट का अगर टेम्पल मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये सब है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ठीक है या फिर एनी प्लेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन एट थ्री जी टू बी ठीक है और उसको डोनेशन मिला फॉर रिपेयर और इनोवेशन ऑफ सच प्लेसेस देखो किसी ट्रस्ट का ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है और उनको डोनेशन मिला फॉर रिपेयर और इनोवेशन ऑफ सच प्लेसेस देन सच डोनेशन मे बी ट्रीटेड एज ट्रीटेड बाय ट्रस्ट एज कॉर्पस इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो हम ना उसको कॉर्पस मान लेंगे उसको टैक्सीबल नहीं करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कौन सी कंडीशन देखो वो जो पैसा आया ना वो सिर्फ रिपेयर इनोवेशन के लिए लगना चाहिए पहली बात दूसरी बात वो अमाउंट को ना आपको किसी और को डोनेट नहीं करना चाहिए वो अमाउंट को किसी और को डोनेट नहीं करना चाहिए सर सच कारपस मस्ट भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल मतलब वो पैसा अलग से अलग अपने को पता होना चाहिए ये रखा हुआ है पैसा अलग से और क्शन इलेवन फाइव तो मैंने क्या बोला देखो आपका अगर ट्रस्ट है ट्रस्ट में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है ट्रस्ट में अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है तो आप एक काम करो भैया आपको अगर रिपेयर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आया ना कुछ आपको रिपेयर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आया ना तो हम कॉरपस मान लेंगे अगर चार चीजें कन्फर्म हुई तो क्या क्या चार चीजें देखो वो रिपेयर इन्वेस्टमेंट के लिए लगना चाहिए ठीक है उसको डोनेट नहीं करना एनी अदर पर्सन और ट्रस्ट को ठीक है वो अमाउंट आपका कॉर्पस सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड डिपॉजिट इन सेफ मोड्स मोट्स इलेवन फाइव ठीक है ओके चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नोट इफ एनी कंडीशन इन सेक्शन इज देन सच सम बी बी टू इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच वायोलेशन टू एक्सप्लेस अब इसमें अपने जो कंडीशन बोले हैं ये वायलेट हुई ये कंडीशन वायलेट हुई तो अपन क्या करेंगे भैया जिस साल वायलेट हुई उस साल की इनकम बना देंगे सिंपल सी बात एकदम सिंपल सी बात ठीक है मुझे बताओ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एडेड बाय बाय सेक्शन फाइनेंस एक्ट इफेक्ट फ्रॉम ए ठीक है अब देखो यहाँ पे एक चीज साफ कर दी है यहाँ पे एक चीज साफ कर दी है कि देखो आप लोग अभी तक ना अक्रूवल बेसिस पे बहुत सारे खर्चे का डिडक्शन लेते थे आप अभी तक अक्रूवल बेसिस पे बहुत सारे खर्चे का डिडक्शन लेते थे बट एनी सम पेबल बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द प्रीवियस इन विच ट्रस्ट द सम भैया ट्रस्ट ने जिस साल एक्चुअली पे किया ना सम उस साल ही हम अप्लाइड मानेंगे अब हम उस साल ही अप्लाइड मानेंगे पर सर हमारा तो ना अकाउंटिंग सिस्टम ना अक्रूवल वाला है तो हम तो अक्रूव करते हैं नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता तुमने जिस साल पे किया ना उस साल ही मानेंगे सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इवेंट है मैथड ऑफ अकाउंटिंग इिलिवेंट है कोई भी मैथड ऑफ अकाउंटिंग करो ठीक है तो हम क्या बोलेंगे जिस साल पैसा आया उस साल ही हम सॉरी जिस साल पैसा पे किया आपने जिस साल एक्चुअली खर्चा किया उस साल ही अप्लाइड मानेंगे एक्रूअल बेसिस पे अप्लाइड नहीं मानेंगे ठीक है हाउ अब देखो एक बात सुनो सर कि क्या हुआ था ना हमने ना पहले अक्रू मान लिया था किसी का ठीक है मान लो पहले अपन ने क्या किया था पहले ना हंड्रेड में से एट्टी फाइव में बचा हुआ था फिफ्टीन हटा के सिक्सटी का खर्चा कर दिया था हमने और सिक्सटी में था वो ठीक है इसमें से ट्वेंटी हमने दिया नहीं था ट्वेंटी इस साल पे कर रहे हैं ट्वेंटी इस साल पे कर रहे हैं ट्वेंटी हमने पे नहीं किया था तो क्या सर अब ट्वेंटी को भी अप्लाइड मान लेंगे बेटा तूने जब अक्रूवल था तब तूने इसको अप्लाइड में ले चुका है ना तो फिर से पे करने पे अप्लाइड थोड़ी मानेंगे हमारा मतलब क्या है हमारा मतलब क्या है हम ये बोल रहे हैं कि आगे से आगे से तू जो भी अमाउंट पे करेगा उसका तेरे को डिडक्शन मिलेगा अक्रूवल का डिडक्शन नहीं मिलेगा आगे से अब तूने इसके पहले अगर अक्रूवल पे

ठीक है ओके सर नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन इलेवन टू एक्जन इफ अमाउंट इनकम इज एक्यूमेलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज अब देखो अपन ने क्या बोले सर हमको ना एक्यूमलेट uh, करना इनकम फॉर स्पेसिफिक पर्पज हमको ना इनकम एक्यूमलेट करना है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ अच्छा क्या करना है बेटा आपको हमको ना दो तीन साल बाद कुछ खर्चा करना है बड़ा तो हम दो तीन साल दो साल तीन साल चार साल पाँच साल के लिए एक्यूमलेट करना चाहते हैं तो देखो कंडीशन असेसी विल टेल्प पीरियड एंड पर्पज टू ए

दिस अमाउंट कैन नॉट ये तो हो गया अच्छा आपके बुक में एक नोट लिखा होगा बेटा यहाँ पे ठीक है कि अगर फाइव ईयर्स के पीरियड के बाद आपका अमाउंट अप्लाई नहीं हुआ तो आपको एक बोनस ईयर मिलता है सिक्स ईयर ठीक है इट विल बिकम इनकम ऑफ सिक्स ईयर ऐसा लिखा होगा वहाँ पे तो कट कर देना इसको कट कर दो जल्दी से बेटा ये देखो आपका ऐसा बुक में अगर नोट लिखा होगा ये तो कट कर दो इसको पहले क्या होता था ना कि आप फाइव ईयर में अगर आप अगर पाँच साल में अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको एक साल और मिलता था सिक्स ईयर क्या आप सिक्स ईयर में तक अप्लाई कर दो अगर नहीं किए तो सिक्स ईयर की इनकम बन जाएगी ऐसा पहले होता था बट इस बार से चेंज हो गया है इस बार से चेंज हो गया है ठीक है हमने क्या बोला इफ़ एक्ूमेटेड इनकम इज नॉट अप्लाइड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड देन इट विल बिकम इनकम ऑफ लास्ट ईयर ये लिख लो वहाँ पर जल्दी से ठीक है ये अमेंडमेंट हुआ है ठीक है ये लिख लो जल्दी से इफ एक्मेटेड इनकम इज नॉट अप्लाइड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड देन इट विल बिकम इनकम ऑफ लास्ट ईयर लास्ट ईयर की इनकम बन जाएगी ये जैसे मान लो मतलब हमने किया था पाँच साल के लिए फाइव ईयर्स लिए किया था तो फिफ्थ ईयर की इनकम बन जाएगी हमारी अगर अप्लाई नहीं किया अपन ने तो पहले सिक्स ईयर का ऑप्शन था पर सिक्स ईयर का भी कोई ऑप्शन नहीं है क्या होगा फिफ्थ ईयर की इनकम बन जाएगी इनकम ऑफ लास्ट ईयर बन जाएगी ठीक है बेटा कितना टाइम लगेगा बेटा मुझे लगता है अपने को और लगेगा इसमें कुछ वन पॉइंट फाइव आवर्स मोर खत्म हो जाएगा पूरा ट्रस्ट भी एग्जिट टैक्स भी साथ में खत्म करेंगे क्वेश्चन भी कर लेंगे चिंता मत करो ठीक है ओके तो अगर इनकम एक्यूमेट एक्यूमेटेड इनकम है वो अप्लाई नहीं हुई विद इन स्पेसिफाइड पीरियड देन इट विल बिकम इनकम ऑफ लास्ट ईयर लिख लिया आपने ठीक है पॉज करके लिख लेना अब देखो अगर अपन अमाउंट अप्लाई किया था अमाउंट

सर अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपको स्पेसिफिक पीरियड और पर्पज बताना पड़ेगा एओ को आपको स्पेसिफिक पीरियड और पर्पज़ ए को बताना पड़ेगा तो ना इसमें एक पॉइंट है क्या कि एक क्वेश्चन आता है कि सर एक ट्रस्ट है उसने एक्यूमुलेट किया एक ट्रस्ट है उसने एक्यूमुलेट किया पर ना उसने पर्पज नहीं बताया उसने पर्पज में यह बोला कि वी आर एक्यूमलेटिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट ठीक है तो एओ ने क्या बोला कि यार तुम ऐसे कैसे बोल रहा हो तुमने सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट बोल दिया एकदम जनरल बोल दिया हमको स्पेसिफिक पर्पज चाहिए ये ए ने बोला पर फिर केस लॉ में क्या निकल के आया कि नहीं चलता ऐसा एक्यूमिलेशन कैन बी डन फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट पर्टिकुलराइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्पज इज नॉट मैंडेटरी ठीक है ये क्वेश्चन आएगा आपको आगे ठीक है तो आप क्वेश्चन के पॉइंट्स अपन कवर कर लेते हैं क्लास में ठीक है चलो अगर एग्जेम्पन अंडर सेक्शन इलेवन टू विल नॉट बी गिवन इफ स्टेटमेंट टू एओ इज नॉट गिवन अप टू ड्यू रेट ऑफ आर वाई एंड आर वाई नॉट फाइल अप टू ड्यू रेट ऑफ आर वाई ठीक है तो बेटा यहाँ पे इलेवन टू जो एक्ूमेशन वाला है ना उसमें एग्जेम्शन नहीं मिलेगा अगर आपने क्या किया क्या नहीं किए आपने ए ओ को स्टेटमेंट नहीं दिए ड्यूडेट तक और रिटर्न नहीं फाइल किए तो बेटा देखो इनको जो भी करवाना है ना ये लोग क्या बोलते हैं कि ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दो और सब काम ड्यू डेट तक कर दो कुछ भी चाहिए एग्जेंशन चाहिए डिडक्शन चाहिए कुछ भी चाहिए हर जगह ये बोलते हैं इन लोग ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दो क्या चाहती है डिपार्टमेंट आपसे रिटर्न चाहती है ठीक है हर जगह देखना बहुत जगह आता है ये ठीक है चलो सर बात करते हैं आगे सर सेक्शन एलेवन फोर एंड फोर ए बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट अब देखो हमने क्या बात किए थे सर बिजनेस इनकम इनकम के बारे में देखो जो ये लोग थे ना एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जी अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये ट्वेंटी परसेंट वाले लिमिट की बात किए थे पर इन लोग के लिए कोई ट्वेंटी परसेंट लिमिट नहीं है ऊपर वालों के लिए ये ऊपर वालों के लिए कोई ट्वेंटी परसेंट लिमिट नहीं है सिर्फ ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपी के लोगों के लिए ठीक है तो ऊपर वालों के लिए कोई भी ट्वेंटी परसेंट लिमिट नहीं है तो यहां पर देखना बेटा बिजनेस इनकम ऑफ ट्रस्ट अगर बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट है एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं तो एग्जेमिशन अंडर इलेवन वन एंड इलेवन टू विल बी अलाउड ठीक है मतलब जो बाकी सब ऑब्जेक्ट्स है ना किसी के जैसे रिलीफ ऑफ पुअर है तो इनको अपने बिजनेस इनकम पे भी एग्जेम्पन मिलता है ठीक है एग्जाम्शन अंडर सेक्शन इलेवन वन इलेवन टू विल बी अलाउड बट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जी है तो अपन बीस परसेंट चेक करते हैं अगर बीस परसेंट के दायरे के अंदर है तो हम अलाउ करते हैं बीस परसेंट के ऊपर तो अलाउ नहीं करते ध्यान रखना ठीक है इफ़ एओ फाइंड्स एनी कंसिल्ड इनकम नो एग्जेम्पन विल बी अलाउड ऑन सच कंसील्ड इनकम होल कंसील्ड इनकम विल बी टैक्सीबल हमने क्या बोले थे इस बारे में क्लास में बात की थी इस बारे में कि मान लो एओ का आपको छुपाई हुई इनकम मिली कुछ ठीक है अब एओ तुमको ये थोड़ी बोलेगा कोई बात नहीं बेटा छुपाए तुम्हें इनकम कोई बात नहीं आ जाओ इस पर हम तुमको सेक्शन इलेवन का एग्जन दे देंगे इनकम अब टैक्सीबल हो रही है ना तो इस पर हम सेक्शन इलेवन की एक्जन दे देंगे नहीं बोलेगा ऐसा बोलेगा तुमने इनकम छुपाए अब पूरी इनकम टैक्सीबल होगी पूरी इनकम टैक्सपल होगी ठीक है चलो अब इलेवन सेवन बेटा थोड़ी देर बाद पड़ेंगे अपन कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन इलेवन एंड ट्वेल्व तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए डबल डब्लू ट्वेल बीबी में अब तो ट्वेल्व ए बी में ही होगी रजस्टर सिर्फ ठीक है एग्जाम्शन अवेलेबल होता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज गिवन जिस साल एप्लीकेशन देते हैं उस साल से एग्जिमशन एवेबल होता है ठीक है अगर टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जिमशन ग्रेटर देन बेसिक एग्जिम्शन लिमिट है अगर टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग से ऊपर है तो ट्रस्ट को ना ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है देखो ट्रस्ट की इनकम अगर टू पॉइंट फाइव लैख से ऊपर हुई तो ट्रस्ट को ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी देखो ठीक है ओके नोट्स नया नॉर्मली क्या होता है बेटा एग्जामिशन अवेलेबल होता है फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड

पर पिछले कोई साल के लिए केस पेंडिंग नहीं है कोई भी ठीक है और इस साल में भी जो एक्टिविटीज है सेम है इस साल में एक्टिविटी सेम है जिस बेसिस पे अपन इसको आज रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं ना वैसी एक्टिविटीज सेम है इसकी तो हम क्या बोलेंगे ठीक है तो देन एग्जामेशन अंडर सेक्शन इलेवन एंड ट्वेल्व विल बी अवेलेबल फॉर सच अर्लियर अर्यर एल्सो तो ये अर्लियर एवाई के लिए भी एग्जामेशन मिल जाएगा ठीक है ये पॉइंट थोड़ा नया लगता है लोगों को समझ में नहीं आता समझ लेना ठीक है दूसरी बात सब वन फोर्टी सेवन में रीअसेसमेंट होता है तो वो रियसमेंट प्रोसीडिंग कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस दैट ट्रस्ट वॉज नॉट रजिस्टर्ड इन एनी प्राय ठीक है ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था इस बेसिस पे आप वन फोर्टी सेवन नहीं खोल सकते ठीक है द अबाउट बेनिफिट ऑफ अर्लियर एवा इज नॉट अवेलेबल इफ अभी दोनों चीज़ें जो हैं ये अर्लीर एवाई की अवेलेबल नहीं रहेगी अगर देखो ट्रस्ट ने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए पर सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया देखो ट्रस्ट ने अप्लाई किया था बट सी आई टीन रिजेक्ट किया मतलब ट्रस्ट में कुछ ना कुछ खोट है

exemption of trust shall not be available in the following cases income from property of trust for private religious purpose अरे सर private religious purpose के लिए आपने कोई trust बनाया है ठीक है खुद private एकदम किसी को आने नहीं दे रहे हो कोई नहीं आएगा सिर्फ मैं जाऊँगा मेरे घबरा ले जाएंगे तो हम इस trust की income exempt नहीं कर सकते no no नहीं कर सकते ठीक है income from trust established for benefit of particular religious caste or community हमने बोले सर एक ही community के लोग आ सकते हैं सिर्फ मतलब सर आप लोगों से मंदिर वंदिर भी आते हैं नहीं 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 जैसे हमने एक मंदिर बनाया हम लोग के कुछ चुनिंदा लोग जा सकते हैं इसमें कम, सेम कम्युनिटी के हम लोग जाएंगे सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा ठीक है ऐसा नहीं चलेगा इनकम ऑफ ट्रस्ट इंश्योरिंग एन्श्योरिंग जैसे अभी मंदिर वंदिर बनते हैं तो सब लोग के लिए खुला है ना कोई भी जा सकता है कोई रोकते थोड़ी कहीं उसमें ठीक है इनकम ऑफ ट्रस्ट एन्श्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रिफर्ड इन सेक्शन थर्टीन थ्री दैट इज रिलेटेड पर्सन अब सर अपन ने सर मान लीजिए अपन ने मान लीजिए किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया ठीक है कौन सा पर्सन जो रिफर्ड है सेक्शन थर्टीन थ्री में सेक्शन थर्टीन थ्री में ठीक है और हमने फंड्स इन्वेस्ट किए इन एनी मोड्स अदर देन इलेवन फाइव मोड्स 115 फाइव मोड्स छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट किए सर इलेवन फाइव मोड्स क्या है सर ये बार बार बोल रहे हो आप ये इलेवन फाइव मोड्स है क्या सर तो देखो इलेवन फाइव मोड्स में ना क्या होता है इलेवन फाइव इज सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स ये गवर्नमेंट ने कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स बताए हैं जो कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज और ये सब चीज़ें होती है तो गवर्नमेंट क्या बोलती खुद के पास पैसा मत रखो इलेवन फाइव मोड में डाल दो सेफ रहेगा पैसा सेफ रहेगा तुम रखोगे तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे रखो जाओ जाओ रखो ठीक है अब देखो यहाँ पे ना अगर इनकम ट्रस्ट की आती है इंश्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन थर्टीन थ्री मतलब थर्टीन थ्री में कौन पर्सन होंगे सर रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते है सर पर्सन रिफर्ड इन सेक्शन थर्टीन थ्री ऑथर फाउंडर ऑफ़ ट्रस्ट इसके बेनिफिट ट्रस्ट में कुछ हो रहा है ट्रस्ट बनी है तो नहीं उसकी इनकम एग्जाम नहीं होगी मेंबर ऑफ एच यू एफ एफ फाउंडर डोनर इज एच यू एफ अगर मेंबर ऑफ एच यू एफ के लिए कर रहे हो और फाउंडर डोनर एच यू एफ है तो भाई तो ये तो तुम खुद के लिए कर रहे हो ठीक है ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ़ ट्रस्ट नहीं चलेगा पीपल हु मेड डोनेशन मोर देन फिफ्टी थाउजेंड बड़े डोनर है ये तो बहुत बड़े डोनर ठीक है ठीक है तो इनके लिए भी क्या होगा इनके लिए भी कुछ आप कर रहे हो उनके बेनिफिट लेने ही चलेगा और रिलेटिव ऑफ एनी वन व किसी का भी रिलेटिव इसमें से ठीक है अच्छा ओके सर इसमें एक बार ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है सर एक ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ने बोला कि हम ना एम्प्लॉयज़ जो फाउंडर ऑफ ट्रस्ट सेटलर ऑफ ट्रस्ट है सेटलर फाउंडर ऑफ ट्रस्ट उसके एम्प्लॉयज़ को ना हम बेनिफिट देंगे तो ट्रस्ट आप क्या बोलोगे नहीं नहीं इसकी इनकम एग्जाम नहीं होगी बोलोगे ना कि बेनिफिट मिल रहा है बट देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज मैंशन नहीं है कहीं पे भी क्या एम्प्लॉयज़ मैंशनड है नहीं है मैंशनड तो क्या एम्प्लॉइज को अगर बेनिफिट दिया कोई ट्रस्ट में तो चलता है क्या चलता है कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन आया ये ठीक है चलो ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ एजुकेशन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी इज गिवन टू अबाउ रिफर्ड पर्सन देन वैल्यू एफ एम वी ऑफ़ सच सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ट्रस्ट मान लो आपने किसी भी ऐसे ऊपर वाले पर्सन को एजुकेशन की मेडिकल फैसिलिटी दी ठीक है मान लो पाँच लाख का उनका आपने ऑपरेशन करवा दिया फ्री में तो हम क्या बोलेंगे वो एफ एम बी जो होगी वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी वो एफ एम भी ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी ठीक है सेक्शन बने कैपिटल गेन इज टू टू बी बी फॉर फॉर चैरिटेबल चैरिटेबल कैपिटल गेन इज इफ न्यू एसेट इज ऑन ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट अगर आपने ट्रांसफर किया ओल्ड एसेट का नया एसेट खरीद लिया तो हम क्या बोलते हैं कैपिटल गेन इज डीम टू बी अपलाइड फॉर चैरिटेबल देखो आपने ट्रस्ट का एसेट बेचा और ट्रस्ट ने नया एसेट खरीद लिया तो फिर तुमने तो भाई कैपिटल गेन नहीं लगेगा तुमको बट इसमें पॉइंट है अगर होल नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज अगर पूरा नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज हो रहा है तो फुली एक्ज है अगर इफ़ नेट कंसिडरेशन इज पार्टली यूटिलाइज इफ नेट कंसिडरेशन इज पार्टली यूटिलाइज देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेड माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेड शैल बी एग्जाम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेड माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेड शैल बी एग्जाम ठीक है ये फॉर्मूला सर बहुत बार आपको समझ में आता नहीं है ठीक है आपको लॉजिक नहीं बैठता इसका पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे लॉजिक बैठ जाएगा ठीक है हमेशा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ न्यू एसेट को एग्जाम करके जाना अगर नेट पार्टली पार्टलीज हो फुली एटिलाइज तो फुली एग्जाम ठीक है अभी इलेवन फाइव सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स के बारे में कुछ लिखा है पढ़ाऊंगा आप थोड़ी देर बाद ठीक है, एनोनमस डोनेशन की बात करते हैं सर में होता थर्टी परसेंट पे anonymous donation, section 115 BBC में होता होता पे पे अच्छा। सर क्या पूरा anonymous donation, होता 30 पे? नहीं पूरा एनोनोमस डोनेशन थर्टी परसेंटल नहीं होता क्या होता है सर सम अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है उसमें कौन सा कौन सा अमाउंट सर फाइव परसेंट ऑफ टोटल टोटल डोनेशन और वन लैक हायर फाइव परसेंट ऑफ टोटल डोनेशन और वन लैख विचेवरेज हाईयर फाइव परसेंटेंट ऑफ टोटल डोनेशन और वन लैक विचेवरेज हायर अच्छा सर टोटल डोनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा ऑल डोनेशन कॉर्पस एनोनिमस गवर्नमेंट ग्रांट सब कुछ इंक्लूड होगा ठीक है ये सब कुछ इंक्लूड होगा फाइव परसेंट ऑफ टोटल डोनेशन में कॉर्पस होगा एनोनिमस होगा गवर्नमेंट ग्रांट सब कुछ होगा टोटल डोनेशन में ठीक है अब यहाँ बच्चे बहुत बार हमेशा पूछ रहे सर गवर्नमेंट ग्रांट आएगा कि नहीं आएगा आएगा कि नहीं आएगा आएगा बेटा ठीक है अनोनोमस डोनेशन रिसीव बाई होली रिजिस ट्रस्ट नॉट टैक्सीबल द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फॉरामस डोनेशन दिस इज एडेड विथ नॉर्मल डोनेशन एंड इट इज टैक्स at नॉर्मल rates. ठीक है तो देखो होली रजिस ट्रस्ट को जो भी अनोनमस डोनेशन मिलता है ये टेक्सीबल नहीं है मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई इन लोगों को मिलता नहीं है टैक्सीबल ठीक है और जो अमाउंट हम डिडक्ट करते हैं ना यहाँ से ये हायर ऑफ फाइव परसेंट ऑफ टोटल डोनेशन ऑफ वन लैख तो ये अमाउंट को ना हम क्या करते हैं सर हम इसको टैक्स करते हैं नॉर्मल रेट्स पे, ठीक है में। हम इसको टैक्स करते हैं नॉर्मल रेट्स पे, ठीक है नॉर्मल इनकम ऐड होता है और टैक्स होता है नॉर्मल रेट्स पे। सर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन वन फाइव बी बी आई ये अपन पहले पढ़ रहे हैं क्या नहीं बाद में पढ़ेंगे अपन ये ठीक है पहले अपन ट्वेल्व ए पढ़ेंगे ट्वेल्व ए भी पढ़ेंगे उसका टाइम लिमिट पढ़ेंगे और फिर कैंसिलेशन पढ़ेंगे उसका बहुत बहुत जल्दी खत्म होने वाला है एकदम बहुत थोड़ा सा बचा है थोड़ा सा बचा बस आप बोलो से इतना तो सारा बचा अभी तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो अरे बेटा खत्म हो जाएगा फटफट -फट। चिंता मत करो देखो अभी ना बेटा हम पढ़ेंगे सेक्शन ट्वेल्व ए बी न्यू प्रोसीजर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन सेक्शन ट्वेल्व ए बी न्यू प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है आपने इसके पहले ऐसा नहीं पढ़े होंगे प्लीज़ अपनी बाहें और हाथ और दिल थाम के बैठना ठीक है अच्छा बेटा ये लेक्चर्स में ना हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग मतलब आप और मैं दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं ठीक तो है तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना ठीक है और ना अभी क्या हो रहा है ना बेटा बहुत ही एक्टिव चल रहा है क्लासेस आज जैसे इतना एक्टिक था मैं टाइम ही भूल गया था पता है क्लास का मैंने टाइम दिया था आपको प्लै मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा था आज दिल्ली मैराथन कर रहे हैं हम ट्वेंटी फिफ्थ को दिल्ली मैराथन है मोस्टली ठीक है अनाउंसमेंट कर दूंगा आज मैं मोस्टली उसकी सुबह से तैयारी चल रही थी तो ना मैंने क्लास रखा था सेवन पी पर मैं भूल ही गया था इसलिए क्लास थोड़ी लेट हो गई तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मैं एकदम शर्मिंदा हो गया था यार मैं कैसे भूल सकता हूँ यार बट ना इतना सारा हैक्टेक चल रहा है ना थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर देट एंड uh, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब ये लेक्चर्स थोड़े uh, लाइव में आते हैं ये वीडियोज़ में नहीं आते हैं मैं अगर मैं खुद का सोचूँ ना खुद का बेनिफिट तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ इसको अगर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा ना तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसमें क्योंकि वो वीडियो सेक्शन में देखता है देखो अभी तुमको बताता हूँ एक मिनट एक मिनट का तुम्हारे लिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं जैसे आप ये खोलोगे ठीक है तो यहाँ पे देखो ये वीडियो सेक्शन में आता ही नहीं वीडियोस ये लाइव सेक्शन में आते हैं तो ना पता ही नहीं चलता बहुत सारे लोगों को ठीक है तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ ज़्यादा व्यूज़ आएंगे बट मैं लाइव भी लेता हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए क्योंकि लाइव बच्चे बैठते हैं बहुत सारे ठीक है तो क्योंकि उनको लाइव करना पसंद है तो अब आपका काम है ये क्या कि ये आप पहुंचाओ कहाँ तक अपने दोस्तों तक और जो भी सी एफ एन आ रहे उन तक ठीक है ओके राइट ठीक है ओके बस इतनी बात करनी थी और कुछ नहीं और करते हैं मेहनत फोड़ेंगे ठीक है डन करते हैं आज रात को ट्रांसफर प्राइजिंग कर रहे हैं अपन बेटा इसके बाद ट्रांसफर प्राइजिंग है अपना ठीक है चलो सेक्शन ट्वेल्व ए बी न्यू प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ये क्या है सर सर ये क्या है सर तो देखो सी आई टी पी सी आई टी ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन कैन गिव रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट सिचुएशंस ठीक है सी आई टी पी सी आई ट सकते सर रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं अब सी आई टी पी सी आई टी क्या करेगा विद इंक्वायरीज विद आउट इन्क्वायरीज मतलब सर पहले क्या होता था ना पहले जैसी कोई भी ट्रस्ट अप्लाई करता था फॉर रजिस्ट्रेशन तो हमेशा क्या होता था इंक्वायरी होती थी इंक्वायरी बैठती थी कि लाओ सब रिसर्च होती थी पूरे पेपर चेक सब कुछ चेक उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता था पहले पहले की बात कर रहा हूँ ये पहले ऐसा होता था अभी ऐसा नहीं होता हम अभी क्या करते हैं कोई नया आया ना तो बोलते हैं आजा, 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 आजा। हम ऐसे ही रजिस्ट्रेशन अभी दे देंगे अभी तुरंत ऐसे ही रजिस्ट्रेशन दे देंगे उसके बाद जब तू फिर से आएगा री re रजिस्ट्रेशन करने मतलब फिर से तू जब आएगा ना एक्चुअली करने फाइनल रजिस्ट्रेशन करने तब तेको हम क्या करेंगे इनक्वास करेंगे मतलब जैसे ही जैसे ही कोई नया बंदा आता है ना तो हम क्या करते हैं जैसे ही नया बंदा आता है तो हम क्या करते हैं हम न्यू एप्लीकेंट्स को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते हैं क्या देते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल ठीक है और सर और सर जब वो प्रोविजनल टू फाइनल करने आता है जब वो प्रोविजनल टू फाइनल करने आता है ना तब हम क्या करते हैं अरे तब उसकी इंक्वायरीज करते हैं तो दो ऑप्शन है विदाउट इंक्वायरीज विद इंक्वायरीज तो जब भी न्यू एप्लीकेंट आता है फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो हम विदाउट इंक्वायरीज करते हैं और विद इंक्वायरीज कब करते हैं जब वो प्रोविजनल टू फाइनल में आता है ठीक है दूसरी बात सर जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थी ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल एम पुराने इसमें अभी नया प्रोसीजर आ गया तो अब उनको ट्रांजक्शन लेना पड़ेगा उनको ट्रांजिकेशन लेना पड़ेगा तो जब ये एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थी जब ये बनी होगी तब अपन ने क्या किए होंगे तब अपन ने इनका वो किए होंगे क्या इंक्वायरी यस किए थे इंक्वायरी तो अब जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ये ट्वेल्व ए बी में तो फिर से इंक्वायरी करना चाहिए के? नहीं अभी तो अभी तो किए थे इनकी इंक्वायरी फिर से क्यों करेंगे तो अपन इसलिए विदाउट इंक्वायरी इनका भी कर देते हैं ठीक है पर जब प्रोविजनल टू फाइनल हो गए तब करते हैं और अभी हमने नए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में पाँच साल का बना दिया है नए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में पाँच साल का बनाया है कि पाँच साल के बाद ट्रस्ट को फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो कोई भी अगर री रजिस्ट्रेशन लेना आएगा आफ्टर फाइव इयर्स तो फिर से हम इंक्वायरी करेंगे पूरी कोई भी अगर री रजिस्ट्रेशन लेना आएगा आफ्टर फाइव ईयर्स तो हम फिर से इंक्वायरी करेंगे सर कोई ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई कर लेगी कोई ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर लेगी तो भाई हमारा काम है उसकी इंक्वायरी करना हमारा काम है उसकी इंक्वायरी करना ठीक है और दूसरी बात अगर ट्रस्ट इनऑपरेटिव हो गई अंडर सेक्शन तो इस केस में भी हम इंक्वायरी करेंगे अगर ट्रस्ट इनऑपरेटिव हो गई अंडर सेक्शन इलेवन सेवन तो इस केस में भी हम क्या करेंगे इंक्वायरी करेंगे इस केस में भी हम इंक्वायरी करेंगे ठीक है तो चार केस इंक्वायरी करेंगे और बाकी जगह इंक्वायरी नहीं करेंगे यहाँ पे क्या करते हैं सर हम सी आई टी में कॉल फॉर रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट जेनुइनेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट की एक्टिविटी एंड कंप्लायसेंट्स अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल ए पेंडिंग ऑन वन फॉर ट्वेंटी डीम टू बी अपलाइड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी एस न्यू एप्लीकेशन आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फिन आदर एक्सेप्टिजेक्ट कौन सी आर टी पी सी आर टी एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है ठीक है ओके okay, सर अब बात करते हैं हम सर टाइम लिमिट की टाइम लिमिट सर ज़रूरी है कि याद करना पड़ेगा क्या यस टाइम लिमिट याद करना पड़ेगा क्यों सर एग्ज़ाम में पूछी थी इस बार तो शायद नहीं पूछेगी एम सी में पूछ सकता शायद पर एक बार याद कर लेते ना अपन फटफट मैं याद कराता हूँ मैं कराता हूँ भाई कराएगा चिंता मत करो ठीक है तो याद कराता हूँ मैं देखो अब जो न्यू ट्रस्ट है जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है जो न्यू ट्रस्ट है फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट अपन क्या करेंगे उनको उनको देंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विदाउट इंक्वायरी दो टाइम लिमिट में दो बांटे हैं ने अपन ने टाइम लिमिट में भी दो हैं ये क्या है विदाउट इंक्वायरीज ये है विद इंक्वायरीज तो विदाउट तो इंक्वायरीज में पहले आएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हम क्या बोलेंगे भाई इसको कि तू आ रजिस्ट्रेशन करने ना देखो जिस साल से चाहिए जिस साल से चाहिए उसके वन मंथ प्रायर टू द प्रीवियस ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज अप्लाइड मतलब तुझे चाहिए प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री से तो तू अट्ठाईस फेब ट्वेंटी टू के पहले अप्लाई कर दे सर तो अगर हमको साल के बीच में चाहिए होगा तो अगले साल से मिलेगा हाँ ठीक है तो वन मंथ प्रायर टू द प्रीवियस ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज अप्लाइड मतलब फॉर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आपको ट्वेंटी एट फैब ट्वेंटी टू के पहले करना पड़ेगा अच्छा सर टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई सी आई टी वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ठीक है यहाँ वन मंथ तो यहाँ भी वन मंथ अच्छा सर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल का मिलता है थ्री ईयर्स आप आते हो ना तो आपको बोलते हैं भाई तू तीन साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तेरा तीन साल के लिए क्या है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तेरा तीन साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है ठीक है कब से मिलेगा सर ए वाई फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज मेड ए वाई फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज मेड ए वाई फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज मेड ठीक है ओके अब देखो जिस साल एप्लीकेशन किया उस साल से आपको मिल जाएगा है ना तीन साल के लिए डन डन अब देखो अगर एग्जिस्टिंग ट्रस्ट होगी सेक्शन ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए में एग्जिस्टिंग ट्रस्ट होगी सेक्शन ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए में तो इनको ना इनको बोले भाई तू आ तुम आओ और तीन महीने के अंदर अप्लाई कर दो मतलब जब से ही अमेंडमेंट आया कब से आया अमेंडमेंट सर ये वन फोर ट्वेंटी वन से आया तो थर्टी सिक्स ट्वेंटी वन तक अप्रैल में जून तीन महीने तक तुम अप्लाई कर दो तीन महीने के अंदर ठीक है एंड थ्री मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड और तीन महीने में आपको क्या मिल जाएगा सीआईटी रजिस्ट्रेशन दे देगा और तीन महीने में आपको सीआईटी रजिस्ट्रेशन दे देगा ठीक है, है अब पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइव ईयर्स है ठीक है पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइव ईयर्स है अब यहाँ पर एक बात समझना अब सी क्या चाहता है ना डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि आपको ना सब मिला के फाइव ईयर्स में हर बार फिर से इंक्वायरी करे डिपार्टमेंट फाइव ईयर्स बाद इंक्वायरी करे हर पाँच साल में अगर ट्रस्ट रजिस्टर हो गई है तो हर पाँच साल में गवर्नमेंट इंक्वायरी करे गवर्नमेंट चाहती है ठीक है कि हर पाँच साल में गवर्नमेंट इंक्वायरी करे अच्छा और सर हर पाँच साल में फिर से हमको क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यस तो आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स यू ये हैव तो टू टेक रजिस्ट्रेशन तो बेटा मुझे बताओ कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट होगी जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट होगी इसके जो फाइव ईयर्स रहेंगे वो हम काउंट कहाँ से करेंगे फाइव ईयर्स नए जो अभी अभी इन लोग ने थर्टी सिक्स ट्वेंटी वन मतलब प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से, से काउंट करेंगे या फिर जो पहले रजिस्टर होगा तब से काउंट करेंगे तो बेटा ए वाई फ्रॉम विच अप्रूवल वॉज अर्लियर ग्रांटेड पहले से करेंगे क्योंकि हमको सब मिला के पांच साल चाहिए अगर इसके दो साल पहले से रजिस्टर्ड है ये तो अभी सिर्फ और तीन साल ही देंगे रजिस्ट्रेशन अपन अपन जैसे ही पांच साल खत्म होंगे ना तो पांच साल बाद हम फिर से बुलाएंगे इनको भाई फिर से इंक्वायरी करना है तुम्हारी फिर से इंक्वायरी करना है हमको फिर से आओ ठीक है तो मैंने क्या बोला फाइव इयर्स में चेंज हमको चाहिए ही फिर से ठीक है सर अब केस प्रोविजनल टू फाइनल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू फाइनल रजिस्ट्रेशन ठीक है मैंने एग्जाम्पल दे दिया जैसे यहाँ पे देखो बेटा मान लो प्रीवियस एयर टू थाउजेंड ट्वेंटी में पुराना ट्रस्ट रजिस्टर हुआ होगा ठीक है अभी नया सेक्शन अब आया ठीक है तो नए सेक्शन में क्या बोला फाइव ईयर्स का है नया सेक्शन फाइव ईयर्स है ठीक है तो अब नए सेक्शन में फाइव ईयर्स दे दिए और पुराने दो साल तो कितने हो जाएंगे ये मिला के सेवन ईयर्स हो जाएंगे मिला के हो जाएंगे सेवन ईयर्स तो गलत हो जाएगा ना तो इसका अपन क्या बोलेंगे अपन दो और इस इसमें तीन ही देंगे मतलब ये फाइव ईयर्स पहले से काउंट होंगे ये फाइव ईयर्स पहले से काउंट होंगे ठीक है तो ए वाई फ्रॉम विच अर्लियर अप्रूवल वॉज अर्लियर ग्रांटेड ए वाई फ्रॉम विच अर्लियर वॉज अप्रूवल वॉज अर्लियर ग्रांटेड ठीक है अब देखो अगर प्रोविजनल टू फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे अपन प्रोविजनल टू फाइनल तो देखो अब यहाँ टाइम लिमिट क्या है सर टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन क्या है तो टाइम लिमिट है सर सिक्स मंथ्स फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और सिक्स मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवरियर ये क्या है सर ये क्या है सिक्स मंथ्स फ्राम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और सिक्स मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अच्छा तो सर मतलब आप बोल रहे हो जैसे हम रजिस्ट्रेशन हुई यहाँ पे ये तीन साल है ठीक है सिक्स मंथ्स प्रायर मतलब ये हो गया सिक्स मंथ्स प्रायर टू ईयर सिक्स मंथ्स और सिक्स मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी तो यहां पर कहीं आएगा ठीक है यहां कहीं आएगा सिक्स मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी तो ये क्या बोल रहे हैं सिक्स मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और सिक्स मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर तो सर हमेशा तो ये अर्लियर आएगा सर ये ऐसे कैसी बात कर रही है तो नहीं बेटा इसमें क्या होता है कभी कभी आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले लिया पर आपकी एक्टिविटी हो सकता है लेट चालू हुई टू ईयर टू मंथ्स के अंदर चालू हुई आपकी एक्टिविटी टू ईयर टू मंथ्स में चालू हुई एक्टिविटी तो यहाँ से सिक्स मंथ्स कहाँ रहेंगे टू ईयर एट मंथ्स तो अब अर्लियर क्या हुआ सिक्स मंथ्स फ्रॉम एक्सपायर सिक्स मंथ्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और सिक्स मंथ्स फ्रॉम कमेंसम एक्टिविटी कौन सा अर्लियर हुआ अभी ये वाला अर्लियर हुआ ना ठीक है तो इसलिए एक बात ध्यान रखना गवर्नमेंट को क्या चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि तुम तुम्हारा जो भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो एक्सपायर हो उसके एटलीस्ट छः महीने पहले तुम अप्लाई कर दो जो भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो एक्सपायर हो उसके एटलीस्ट छः महीने पहले अप्लाई कर दो ठीक है इसलिए यहाँ पर दिया है सिक्स मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और आपने अगर एक्टिविटी पहले स्टार्ट कर दी तो सिक्स मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी ठीक है अब यहाँ सिक्स मंथ्स का टाइम अपन एप्लीकेशन के लिए दिया है तो अपन सीआईटी को भी सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसिव का टाइम देंगे ठीक है पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइव ईयर्स पीरियड क्या सर फाइव ईयर्स का है स्टार्टिंग फ्रॉम ए फॉर विच इट वॉज ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए फॉर विच इट वॉज ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ठीक है अब सर वहाँ से स्टार्ट क्यों करेंगे फाइव ईयर सर सेम इशू सेम इशू अपन ने प्रोविजनल दिए ना अब तुमने जब से अप्लाई किया फाइनल के लिए तब से फाइव ईयर्स काउंट करेंगे तो प्रोविजनल के एक दो साल फिर फाइनल के पांच साल सात साल हो जाएंगे नहीं चाहिए अपने को तो अपन कहां से फाइव ईयर्स काउंट करेंगे ए वाई ग्रांटेड ठीक है आपके पांच साल बाद हर पांच साल में आपको रिन्यूअल करना है. करने है मैंने क्या बताया था आपको कि भाई एक्सपायरी जब हो रहा है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन उसके एटलीस्ट छः महीने पहले गवर्नमेंट चाहती तुम अप्लाई कर दो तो सिक्स मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन अब तुमने सिक्स मंथ्स लिया तो इनको भी सिक्स मंथ्स मिलेगा सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड एंड टाइम क्या फाइव ईयर्स का फाइव ईयर्स कब से जब से एप्लीकेशन दी नहीं वाली तब से ट्रस्ट ने मॉडिफिकेशन अडॉप्ट किए ट्रस्ट ने मॉडिफिकेशन अडॉप्ट किए ठीक है चेंजेस किए अब ट्रस्ट मॉडिफिकेशन अडॉप्ट करना मतलब देखो ट्रस्ट बना था इस ऑब्जेक्ट के लिए इन्हें बोला अब मेरे को ये नहीं करना मैं चेंज किया अब ये करूंगा है? ये क्या बात हुई तूने इस ऑब्जेक्ट के लिए तूने अप्लाई किया था ना इस ऑब्जेक्ट लिए ट्रस्ट बनी थी अब तू चेंज करा बोल बोला ये करना है ऐसे थोड़ी चलता है भाई ऐसे थोड़ी चलता है तो एक काम कर तू अगर नए ऑब्जेक्ट लिए अप्लाई करना चाहता है ना तू मॉडिफिकेशन हुआ है ठीक है तो तू एक काम कर थर्टी डेज फ्रॉम डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तीस दिन के अंदर फिर से अप्लाई कर तू तीस दिन के अंदर फिर से अप्लाई कर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन होता है ना जब तो तीस दिन के अंदर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है ठीक है और टाइम कितना मिलता है सी आई टी को सी आई टाइम कितना मिलता है सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ टाइम मिलता है ठीक है अब यहाँ थर्टी डेज थर्टी डेज टाइम नहीं मिल सकता ना इसको थर्टी डेज इसको थर्टी डेज नहीं इसको सिक्स मंथ्स मिलता है सी आई टी को फाइव ईयर्स ए वाई फ्रॉम विच एप्लीकेशन वॉज मेड अभी हम एप्लीकेशन फिर से करेंगे वहाँ से पांच साल मिलेगा क्योंकि तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है ना ठीक है और ये इनोपरेटिव का पढ़ते हैं अपन थोड़ी देर में इन ऑपरेटिव का थोड़ी देर में पढ़ते हैं ठीक है ओके चलो अब ना बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम ये कैंसलेशन पढ़ेंगे पहले फिर हम ये थर्टीन टेन पढ़ेंगे हाँ हम कैंसिलेशन पढ़ते हैं अब ठीक है

कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इसमें क्या है सर क्या है पढ़ते हैं ठीक है रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन कैन बी कैंसल्ड ये ये हो हो सकता है। ये cancel हो सकता है है इन द फॉलोइंग कंडीशन क्या कंडीशन है सर देखो सी आई टी पी सी आई टी ने नोटिस किया प्रीवियस ईयर आपने एक या एक से ज्यादा स्पेसिफाइड वॉल्यूशन किया है आपने एक या एक से ज्यादा स्पेसिफाइड वॉल्यन किया है पहली बात दूसरी बात और सीआईटी पी सी आई टी हेज रिसीव अस फ्रॉम एओ अंडर सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन थ्री थ्री फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विद्रॉ अप्रूवल ऑफ ट्रस्ट ठीक है सीआरटी पी सी आई टी को एओ से रेफरेंस मिला है कि भैया आप ट्रस्ट का ना वो कर दो खत्म कर दो ठीक है केस हैज बिन सिलेक्टेड एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबिटी फॉर एनी प्रीवियस ईयर ठीक है केस इज सिलेक्टेड केस इज बिन सिलेक्टेड एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर ऑफ सिबिलिटी फॉर एनी प्रीवियस ईयर ठीक है तो अगर ये तीनों केस हुआ कौन सा कौन सा चीज सर सी आई टी ने क्या बोला कि एक या एक से ज्यादा स्पेशल वॉल्यूशन हुआ है वन और मोर स्पेसिफाइड वॉल्यूशन हुआ है दूसरी बात सी आई टी पी के पास रेफरेंस आए से कि भैया कैंसिल करना है इनका एंड केस सिलेक्ट हुआ है एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सिबिलिटी फॉर एनी प्रीवियस ईयर प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन क्या है टू सेटिसफाई हिमसेल्फ सी आई टी पी सी आई टी शैल कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन और मेक सच इंक्वायरी एज ए थिंग्स नेसेसरी ठीक है सी आई टी पी सी आर टी क्या करेगा डॉक्यूमेंट्स इन्फॉमेशन मंगाएगा और ना इंक्वायरी करेगा जो उनको नेसेसरी लगती है ठीक है इफ़ ईज सेटिस्फाइड देखो बेटा आपकी अगर बुक में ये वाला पार्ट नहीं होगा मैंने अमेंडमेंट के नए पार्ट ऐड किए हैं कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन ऐड किया उसका तो इसका जो पेजेस हैं ना मैं आपको भेज दूँगा टेलीग्राम पर ठीक है ओके अमेंडमेंट वाले पार्ट ठीक है आपके ग्रुप में आ जाएंगे वन फोर्टी थ्री थ्री सूट नहीं है इस बेटा ठीक है चलो याद है सेक्शन क्या बात है प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन तो सी आई टी पी सी आई टी चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मंगाएगा और इंक्वायरी करेगा ठीक है अगर सेटिस्फाइड है वो कि भैया ठीक है इस पैसवर्ड वॉल्यूशन हुआ है अगर वो स्पेसिफाइड है कि स्पेसिफाइड वॉल्यूशन हुआ है तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि भाई वॉलेशन नहीं हुआ अगर वो सेटिस्फाइड है कि वॉलेशन नहीं हुआ तो ना वो रिफ्यूज कर देगा टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ठीक है बाय पासिंग एन ऑर्डर इन राइटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डर इन राइटिंग विद इन सिक्स विद इन सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड इशूडी पीसीआर जब पीसीआर ने फर्स्ट नोटिस इशू किया ना वहां से सिक्स मंथ्स वहां से सिक्स मंथ्स ठीक है सीआरटी पीसीआर शेल कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एंड ट्रस्ट सी आई टी पीसीआर शेल ऑर्डर टू एओ एंड ट्रस्ट ठीक है एओ ट्रस्ट को उसको कॉपी ऑर्डर देना पड़ेगा ठीक है अब सर ये स्पेसिफाइड वॉल्यूशन होते क्या है सर बताओ सर एक बार ठीक है बताता हूँ एनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट हैज़ बीन अप्लाइड अदर देन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन देखो तुमने क्या किया जो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट थे उसके लिए अप्लाई नहीं किया किसी और के लिए खर्चा कर रहे हो तुम गलत बात है

द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज़ अपलाइड इट्स इनकम फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पज तुमने प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए अपलाई किया ठीक है द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज़ अपलाइड इट्स इनकम फॉर फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट ऑफ कम्युनिटी पढ़े अपने ऊपर एनी एक्टिविटी बींग कैर आउट बाई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज नॉट जनविन जेन्यन एक्टिविटी नहीं है और इज नॉट बींगड आउट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ठीक है और द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज नॉट कम्प्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ अगर ये चीज़ें हुई है तो ये क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं स्पेसिफेड वॉल्यूशन ठीक है स्पेस्फर, स्पेस्फर तो पूरा इस सेक्शन का सार समझो क्या कि अगर कोई भी स्पेसिफ वॉल्यूशन हुआ है और ट्रस्ट को ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफ वॉल्यूशन हुआ है या फिर उसको रेफरेंस मिला है फ्रॉम ए यू या फिर केस को आ, केस सिलेक्ट हुआ है एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटी ऑफ सी ठीक है तो हम क्या बोलेंगे तो भैया सी आई सी आई टी पी सी आई टी कुछ मंगाएगा चीज़ें इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कॉल करेगा फिर अगर सेटिस्फाइड है कि वॉयलेसन हुआ है तो वो ओ ओ बी कैंसिलेशन कर देगा अगर वो बोलेगा नहीं 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 हुआ है तो कैंसिल नहीं करेगा कब तक विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाई सी आर और फिर एओ आर ट्रस्ट को कॉपी ऑफ ऑर्डर भेजना पड़ेगा उसको ठीक है ठीक है तो बेटा यहाँ पे वॉयेशन वाला पार्ट खत्म हो गया अब बेटा एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज पढ़ाता हूँ तुमको सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी ठीक अच्छा है सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी अच्छा टॉपिक है बढ़िया चीज है क्या बोलता है ये इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनकम ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फिर से पढ़ना एक बार इनकम ऑफ सर्टेन सर्टेन यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब ये क्या बोलता है सर क्या बोलता है देखो इसमें तीन सेक्शन है तीन अलग अलग चीजें हैं ठीक है बाढ़ दिया अपने अलग से बढ़िया से थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए डी थ्री ए फोर फाइव सिक्स सिक्स ए फोर फाइव सिक्स सिक्स ए क्या बोलता है थ्री ए बी थ्री ए सी ऐसे यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होली और सब्सटेंशली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है जो होली और सब्सटेंशली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है जो होली और सब्सटेंशली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है ठीक है मतलब इसमें गवर्न गवर्नमेंट ग्रांट ग्रेटर देन फिफ्टी परसेंट है इसमें गवर्नमेंट ग्रांट ग्रेटर देन फिफ्टी परसेंट है ओके अच्छा अच्छा मतलब होली और फाइनेंस बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट ग्रेटर देन है एग्जिस्ट सोलली फॉर जो एग्जिस्ट करते हैं सोलली फॉर देखो भाई काय के लिए एग्जिस्ट करते हैं ये मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज ये क्या बोलते हैं हम बने हैं किस चीज के लिए मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज के लिए प्रॉफिट लिए नहीं बने नु, 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 हम नो नो हम प्रॉफिट लिए नहीं बने हैं तो फिर इनकी इनकम फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है मतलब देखो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है मतलब होली और सब्सेंशली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है होली और सबसटेंशली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है और एग्जिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए प्रॉफिट ले नहीं, नहीं प्रॉफिट ले नहीं कर रहे हैं भाई पैसे नहीं चाहिए हमको पैसे नहीं चाहिए प्रॉफिट ले नहीं कर रहे तो इनकम पूरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है इनकम फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है अच्छा ओके सर यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब थ्री एटी की बात करते हैं विच एग्जिस्ट सोलली फॉर जो एग्जिस्ट करते सोली फॉर मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट फिर से और यूनिवर्सिटीज है और हॉस्पिटल्स है और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सोली फॉर मेडिकल और एजुकेशन पर्पज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ये बोल रहे हैं हमको पैसे नहीं चाहिए और उनकी एग्रीगेट एनुअल रिसीट्स आर अप टू तो रुपीज फाइव करोड़ रुपीज छोटे ट्रस्ट है छोटे लोग हैं बेचारे छोटे लोग हैं आप बोलो सर पांच करोड़ इतनी बड़ा अमाउंट होता है पर ट्रस्ट के छोटा अमाउंट है रे ठीक है तो इनकी भी इनकम फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है कुछ आपको चला गया एक मिनट इनकी भी इनकम क्या है फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स इनकी भी इनकम क्या है फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स ठीक है तो देखो देखो हमने 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 क्या क्या बेटा? हमने क्या क्या हमने 3AB, क्या पढ़े 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 बेटा जिसमें बोला भाई कि देखो, हमारी universities, hospitals, और other education institution है, जो होली और सब्सेंशली फाइनेंस गवर्नमेंट है जो क्या है जो होली और सब्सेंसली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है ठीक है और कायले बनी है एजुकेशनल या मेडिकल पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं हम तो इनकी इनकम क्या होगी फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स इनकी इनकम क्या होगी फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स ठीक है दूसरी बात सर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो क्या बोल रहे हैं हम भी बने मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट और हमारा एग्रीगेट एनुअल रिसिट्स कितनी है फाइव करोड्स तो इनकी भी इनकम फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है कौन से कौन से थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए डी थ्री थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए डी थ्री ए थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए डी थ्री ए फिर से बोलूँ थ्री 3ac, थ्री ए सी थ्री अब थ्री सर जो इन दोनों में नहीं आते, वो कौन से रजिस्टर्ड फॉर मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट लिए नहीं है हम हम भी मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं और इनकी इनकम क्या होगी इनकी इनकम फाइव करोड़ से ऊपर होगी इनकी इनकम क्या होगी फाइव करोड़ से ऊपर होगी फाइव करोड़ से ऊपर तो इनको भी एग्जाम कर देंगे हम इनको भी कर देंगे क्या हमने बोले हाँ कर देंगे पर ऐसे नहीं करेंगे पर ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? इनकी इनकम होगी, मतलब कौन सी जो हम पढ़ के आए ना अभी एग्जाम फिर बचे में से, से खर्चा करो तो एग्जाम जो सारी चीजें पढ़ के हम वो ही सारी चीजें इनको एप्लीकेबल है मतलब क्या सर ऐसे फंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस जो क्या है जो क्या चाहते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सोनली फॉर मेडिकल और एजुकेशनल पर्पज इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट और ना उनकी इनकम अगर फाइव करोड़ से ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे इनको भी एग्जेम्पन मिलेगा बट कैसे जो हमने कंडीशंस बोले हैं ना भी एटी फाइव परसेंट में से खर्चा करो अप्लाई करो वो वाली कंडीशन लगाने के बाद ही इनको क्या मिलेगा एग्जम्पन मिलेगा वो वाली कंडीशन लगाने के बाद तो मिलेगा अब आप बोलोगे सर अगर ये तो इसमें भी सेम है वहां भी सेम है तो ट्रस्ट तो एक ही जगह रजिस्टर है सकती है ना सिर्फ फिर से बोलो सर आप बोलो यहां पे भी वैसे ही मिलेगा सेम सेम पे वैसे मिलेगा तो ट्रस्ट यहां रजिस्टर हो, वहां हो ट्रस्ट तो एक जगह हो सकती है ट्रस्ट को दो बार थोड़ी मिलेगा अलग अलग जगह है ना तो देखो इधर आओ ऊपर जल्दी से ऊपर आओ कहां पे सर सेक्शन इलेवन सेवन ठीक है ट्रस्ट एक अंडर सेक्शन इलेवन सेक्शन टेन विल नॉट बी अलाउड ठीक है अगर इलेवन ट में ना, तो टेन में अलाउड नहीं होता बट दो एक्सेप्शन है सेक्शन टेन वन एग्रीकल्चर इनकम अलाउड रहता है और सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी अलाउड रहता है कौन सा थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए टी थ्री शुरू वाले दो गवर्नमेंट ग्रांट और फाइव करोड़ वाले ठीक है बट प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट विल बिकम इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट विल बिकम इनऑपरेटिव अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी फोर फाइव सिक्स और सिक्स ए मतलब जिस दिन आप जिस दिन आप यहां रजिस्टर हो जाओगे टेन ट्वेंटी थ्री सी फोर फाइव सिक्स सिक्स ए में जिस दिन आप यहां रजिस्टर हो जाओगे ना उस दिन आप ट्रस्ट से बाहर आ गए जिस दिन आप यहां रजिस्टर हो जाओगे उस दिन आप ट्रस्ट से बाहर आ गए उस दिन आप ट्रस्ट से बाहर आ गए ये बात ध्यान रखना समझे मतलब ट्रस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाएगा और जिस दिन आपको यहाँ मिलना बंद हुआ तो आप तो वहाँ भी इनऑपरेटिव हो आप वहाँ जाओगे फिर आपने यहाँ कोई कंडीशन वॉलिट कर दी तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको अब टेन ट्वेंटी थ्री सी फोर फाइव सिक्स सिक्स ए में तो आप क्या करोगे आप वहां जाओगे वापस तो वहां जाने के क्या करोगे आप आप तो ट्रस्ट इनऑपरेटिव है आपकी ट्रस्ट अब फिर से आपको चाहिए सेक्शन ट्वेल्व ए बी में तो आपको सिक्स मंथ्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ए वाई फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट टू बी मेड ऑपरेटिव यहाँ इस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा सिक्स मंथ में सी आपको जवाब देगा फाइव इयर्स के लिए वेलिड रहेगा फ्रॉम विच एप्लीकेशन वाज मेड बहुत गहरा लिंकिंग है ऐसे ही नहीं मिलता ऐसा गहरा लिंकिंग ठीक है कोई बताता भी नहीं है मेरे को बहुत बहुत टाइम मतलब बहुत से रिसर्च करने पर समझ में आया चीज़ समझी समझे क्या समझे क्या सर समझे क्या सर एक और लिंकिंग दो बढ़िया सा दे दो सर दे दो बेटा पर रिविजन लेक्चर नहीं है दे दो ना सर फिर भी दे दो प्लीज़ प्लीज लिंकिंग सर दे दो दे दो प्लीज़ ठीक है बताता हूँ पहले एक दो कॉन्सेप्ट सुनो तो तुमको थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए डी थ्री ई और फोर फाइव सिक्स सिक्स से समझा क्या ठीक है इसमें क्या है गवर्नमेंट ब्रांड इसमें फाइव करोड़ से कम और इसमें फाइव करोड़ से ऊपर तो ये नॉर्मल वाले में हो गए ठीक है अब देखो यहाँ पे ट्रस्ट अगर रजिस्टर हुआ तो वहाँ से इनऑपरेट हो जाएगा यहाँ पे ट्रस्ट अगर रजिस्टर हुआ तो वहाँ से क्या हो जाएगा इलेवन सेवन से इनोपरेटिव तुम निकलो बार भाई तुम एक जगह लो ना दो दो जगह क्यों ले रहे हो एक जगह लो दो जगह क्यों ले रहे हो ठीक है तो यहाँ पे ट्रस्ट जब रजिस्टर हुआ तो वहाँ से इनऑपरेटिव हो जाएगा बाद में मान के चलो इन्हें भगा दिया अपन को ये फोर फाइव सिक्स सिक्स वालों ने भगा दिए चलो निकलो यहाँ से भगो निकलो अगर इन्होंने भगा दिए तो अपन क्या करेंगे फिर से जाएंगे ट्वेल्व ए बी के पास उनने अपने को इनऑपरेटिव करके रखे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमको ऑपरेटिव कर दो और अप्लाई करेंगे यहाँ पे उन्होंने बोलेंगे हम कोऑपरेटिव कर दो अप्लाई करेंगे ठीक है रिपीट कर दिया वाला पॉइंट ठीक है लिंकिंग रिपीट कर दिया अब एक लिंकिंग और एक पॉइंट और सुनो यहाँ पे एग्रीगेट एनुअल रिसीट्स फाइव करोड़ बोल रहा है अब एक ट्रस्ट है जिसका एक हॉस्पिटल है वो टू करोड़ है उसकी रिसीट्स और एक वो है आ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसी ट्रस्ट का उसकी रिसीट्स फोर करोड़ है अब मुझे बताओ कि क्या इनको इस सेक्शन में एग्जिमिशन मिलेगा थ्री ए थ्री ए में आप बोलोगे सर देखो टू है और फोर है मतलब फाइव फाइव से कम है तो आप बोलोगे एग्जिम्शन मिलना चाहिए पर नहीं हम क्या देखते हैं एक ही ट्रस्ट है ना तो उसका हम एग्रीगेट देखते हैं सिक्स क्रोर्स ये फाइव क्रोर से ऊपर है क्या येस तो एग्जिम्पन नहीं मिलेगा यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जिम्शन नहीं मिलेगा ये वाला पॉइंट एक अब एक पॉइंट और सुनो आप आ जाओ सेक्शन आप असेसमेंट में आ जाओ असेसमेंट अच्छा अब एक मिनट ये चीज़ सुनो मैंने शुरू में बताया था आपको कि अगर ट्वेंटी परसेंट से ऊपर गया अगर ट्वेंटी परसेंट से ऊपर गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा ट्वेंटी परसेंट से ऊपर गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा बट आपका एग्जें्पन डिनाय हो जाएगा आपका उस साल के लिए एग्जेम्शन डिनाय हो जाएगा तो ये कौन करेगा ये कौन करेगा ये ए करेगा ए ओ करेगा ये ये ए करेगा वन में ये ए करेगा वन में करेगा ये ठीक है ये खुद कर सकता है क्या एस ये ए खुद कर सकता है ये ए खुद कर सकता है वन थ्री थ्री में ए ओ कैन इंक्रीज और डिक्रीज इनकम ए ओ ऑल्सो हैज द पावर टू रिजेक्ट एग्जेम्पन डिडक्शन एंड इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट हुज ऑब्जेक्ट इज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जी पी यू एंड कमर्शियल रिसीट्स आर ग्रेटर देन ट्वेंटी रिसीट्स देन ए ओ शैल नॉट ग्रांट एग्जेम्शन अंडर सेक्शन इलेवन और ट्वेल्व तो एओ ये खुद से कर सकता है ए ओ ये खुद से कर सकता है पर, पर पर सर एक बात और बताओ मुझे एक बात और बताओ अरे जल्दी जल्दी वाली ये जो ट्रस्ट है क्या इसमें एओ खुद से डिनाई कर सकता है क्या नहीं इसमें एओ खुद से डिनाई नहीं कर सकता एओ को क्या करना पड़ेगा इस केस में एओ को इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से उसका अप्रूवल विड्रॉ करेगी उसके बाद वो एग्जीशन एग्जीमेशन डिनाई कर सकता है ये भी लिंकिंग समझी क्या ठीक है समझी तो एकदम थैंक यू और कमेंट करके बताना समझी तो ठीक है कमेंट सेक्शन में अच्छा लगता है हमको ओके ठीक है यहाँ यह बात खत्म गई अपनी ठीक है थ्री ए बी थ्री ए सी थ्री ए डी थ्री एन फोर फाइव सिक्स सिक्स ए ठीक है चलो सम एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या आखिरी में करेंगे इजी पॉइंट्स इजी पॉइंट्स आखिरी में करेंगे अब देखो अब सिर्फ दो तीन पॉइंट बचे चैप्टर में इस इस चैप्टर में दो तीन पॉइंट बचे हैं बस ठीक है ये सुन लो सेक्शन वन वन फाइव बी बी आई बचाएं ठीक है सेक्शन थर्टीन टेन है छोटे सेक्शन दोनों एकदम बढ़िया ठीक है <coughs> सेक्शन वन वन फाइव बीबीआई बोलता है बेटा टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम सेक्शन बीबीआई टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम टैक्स रेट कितना थर्टी परसेंट है ठीक है डिडक्शन अलाउड है कितना नो डिडक्शन अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस और लॉस कोई भी लॉस के लिए एक्सपेंस के लिए कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है कौन सी इनकम थर्टी परसेंट पर टैक्सीबल होगी कौन सी इनकम इनकम एक्यूमेलेटेड और सेट अपार्ट इन एक्सेस अपन परसेंट वेयर सच एक्यूमिलेशन इज नॉट अलाउड अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ आई टी एक्ट अच्छा देखो अपने मतलब फिफ्टीन परसेंट छोड़ के बाकी अपने के थे एंड सच एक्मलेन इज नॉट अलाउड अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन में वो एक्यूमलेन अलाउड नहीं था कहीं भी अलाउड नहीं था तो ये टैक्स हो जाएगा थर्टी परसेंट पे पहली बात सर डीम्ड इनकम ऑन वायलेशन ऑफ यूज ऑफ एक्यूमलेटेड इनकम अंडर सेक्शन इलेवन थ्री मतलब हमने एक्यूमलेट किए थे इनकम वो हमने यूज किए फॉर सम अदर पर्पज और डोनेट कर दिया अदर ट्रस्ट को यह अप्लाई नहीं किया ठीक है तो डीम्ड इनकम ऑन वायलेशन ऑफ यूज ऑफ एक्यूमलेटेड इनकम तो यूज फॉर अदर समर पर्पज और डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट और या फिर अप्लाई नहीं किए ये भी थर्टी परसेंट टैक्स होने वाला है ठीक है डीम्ड इनकम ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन प्रोविजंस अंडर सेक्शन इलेवन वन भी मतलब एग्जाम exam, एग्जाम्पल देखो इसमें वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इनकम इन दिस ईयर गेव डिक्लेरेशन टू यो दैट वी विल अप्लाई इन द नेक्स्ट ईयर और ईयर ऑफ रिसीट बट वुड नॉट अप्लाई जब ये वाला चीज आती है अपने पढ़े थे ऊपर कि भाई हमने इस साल अप्लाई नहीं कर पाए अगले साल कर देंगे या फिर जिस साल मिला उस साल कर देंगे दोनों चीज़ थी वहाँ पे अगर आपने उसमें नहीं अप्लाई कर पाए तो जो न, वो जो इनकम बनती ना वो जो इनकम बनती वो भी थर्टी परसेंट पर टैक्सीबल है ठीक है एनी इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोहिबिटेड पर्सन दैट इज रिलेटिव अंडर सेक्शन थर्टीन वन देखो अपने पढ़े थे वहाँ पर ठीक है जो स्पेसिफाइड प्रोहिबिटेड पर्सन थे उनके लिए हमने इनकम अप्लाई किए वो भी इनकम थर्टी परसेंट पर टैक्सीबल होगी

बल पर्पजेज आउटसाइड इंडिया अगर इनकम अप्लाई हुई फॉर चैरिटेबल पर्पजेज आउटसाइड इंडिया तो ये हो जाएगी स्पेसिफाइड इनकम थर्ट परसेंट टैक्सीबल ठीक है ये हो जाएगी स्पेसिफाइड इनकम थर्टी परसेंट पे ठीक है डन अब देखो ये बात समझी तुमको तो ये सारे इनकम थर्टी परसेंट पे टैक्सीबल होगी अब ये वाला चीज तुमको लास्ट डे पढ़ के जाना है एल डी आर में क्यों क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा पक्का पक्का इस बार चेक करेगा अमेंडमेंट है पक्का पक्का चेक करेगा पक्का पक्का चेक करेगा ठीक है और आ, मैं ना आपके लिए इस बार अमेंडमेंट के वीडियोस बनाऊंगा ठीक है अमेंडमेंट तो अपन ऑलरेडी रिविजन वीडियोस में कर रहे हैं पर अलग से अमेंडमेंट के वीडियोस बनाऊंगा दो दो वीडियोस बनाऊंगा या फिर एक ही वीडियो बनाऊंगा दो घंटे के अंदर सारे अमेंडमेंट्स और उसमें जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन जैसे भी आएंगे वो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे अपन सर कब बनाओगे बेटा दस पंद्रह दिन लगेंगे अभी ठीक है टेन टू फिफ्टीन डेज लग जाएंगे ठीक है मतलब आखिरी में देखो आपको अभी तो पढ़ ही रहे हो आप पर मैं अलग से फिर से बनाऊंगा अमेंडमेंट क्योंकि अमेंडमेंट आपको अलग से देखने हैं इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि नवंबर बाईस के अमेंडमेंट्स देख लेना नवंबर बाईस के अमेंडमेंट्स का वीडियो है मेरे चैनल पर वो भी देख के जाना क्यों बोलो सर आप ऐसा क्योंकि बेटा नवंबर बाईस के अमेंडमेंट स्पेसिफिकली पूछता है कई बार मतलब पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स पूछता है स्पेसिफिकली ऐसा होता है बहुत बार और पिछले बार ज़्यादा अमेंडमेंट्स पूछा नहीं है नवंबर बाईस में उसी टाइम के तो इस बार पूछ सकता है चेक कर सकता है इसलिए यूलिप वाला जो है यूलिप वाला इस बार बहुत चांस से पूछ रहे हैं कैपिटल गेन का ठीक है तो ये बात ध्यान रखना ठीक है सेक्शन थर्टीन टेन कैलकुलेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ सर्टेन वॉलेशंस कैलकुलेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ सर्टेन वॉलेशंस इन केस ऑफ फॉलोइंग इनकम कैसे कैलकुलेट होती है ठीक है क्या है वॉयेशन सर वेन कमर्शियल रिसीट्स आर ग्रेटर दैन ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल रिसीट्स इन केस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जी पी ओ और प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन बाई ट्रस्ट और रिटर्न नॉट फाइल्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट ऑडिटेड बिफोर ड्यूरेट ऑफ आर वाई ठीक है ये सब वॉयेशन हुए अगर क्या क्या वॉलेशन बोला मैंने कि कमर्शियल रिसीट ट्वेंटी परसेंट से ऊपर है ठीक है प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए ट्रस्ट ने या फिर रिटर्न फाइल नहीं हुए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए बिफोर ड्यूरेट ऑफ आर वाई देन द इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन फॉलोइंग मैनर तो इनकम हम कंप्यूट करेंगे फॉलोइंग मैनर में कैसे कैसे देखो कौन से कौन से एक्सपेंस अलाउड होते हैं कौन से कौन सेलाउड होते हैं बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड होते हैं कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड ठीक है सच एक्सपेंस इज नॉट इनकर्ड आउट ऑफ क्लोजिंग कॉर्पस बैलेंस ऑफ प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर ठीक है मतलब देखो आपको मेकश्योर sure करना पड़ेगा कॉर्पस में से खर्चा तो नहीं हो रहा है ठीक है कॉर्पस में से खर्चा रहेगा तो अलाउड नहीं रहेगा ठीक है ठीके? डिचर इज नॉट फ्रॉम एनी लोन और बोरिंग लोन और बोरिंग में से खर्चा अलाउड नहीं होगा ठीक है वेयर कॉस्ट इज ऑलरेडी अपलाइडन अपलाउड एंड सच एक्सपेंडिचर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी पर्सन ठीक है डिसलाउंसेज कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड डिस अलाउंस ऑफ फोर्टी ए आई ए एंड फोर्टी ए वुड बी अट्रैक्टेड एंड नो डिडक्शन अलाउंस सेट ऑफ ऑफ़ लॉस शेल बी अलाउड अंडर एनी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट ठीक है ये पॉइंट्स है अब सर ये पॉइंट्स हमने नॉर्मली पढ़ सकते थे अपन पर मैंने इतने अच्छे से इसको क्यों बनाया डिटेल में किया है क्योंकि अमेंडमेंट में से ट्रस्ट के क्वेश्चन आना बहुत वो है मतलब आ सकता है पक्का पक्का तो अपन इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और चार पाँच बार रिवाइज करेंगे इसको आप एल डी आर मार्क कर दो मैं हर बार ये पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से ठीक है डन ठीक है अब क्या बचा बेटा सब खत्म हो गया ना चैप्टर तो खत्म हो गया क्या बात है अब एग्जिट टेस्ट भी कर लेते हैं फटफट अपन बस दो पॉइंट बचे हैं आखिरी के वो खत्म कर लेते ठीक है दो पॉइंट कौन से बचे देखो एप्लीकेशन आउट ऑफ लोन एंड बोरिंग इज नॉट कंसिडर कब अप्लाइड माना जाता है जब रिपेमेंट ऑफ लोन होता है ये बात तो पढ़ चुके अपन पहले ही अगर एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम है ना तो इट कैन नॉट बी कैर फॉरवर्ड एंड टेकन एज अप्लाइड इन नेक्स्ट ईयर इट जस्ट लैपसेस ठीक है अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो वो लैप्स हो जाता है उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपन ठीक है और सर आपने आपने अगर अमाउंट अप्लाई किया आउट ऑफ कॉर्पस फंड ठीक है अगर आपने अमाउंट अप्लाई किया आउट ऑफ कॉर्पस फंड इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन अमाउंट हमने अप्लाई किया आउट ऑफ कॉर्पस फंड इट शेल नॉट बी ट्रीडेज एप्लीकेशन इसको अपन एप्लीकेशन नहीं मानते क्यों भाई सुनो एक बार सिंपल सी बात है कि आपका कॉर्पस को हमने इनकम माना ही नहीं है कॉर्पस को इनकम में इंक्लूड किया ही नहीं है उसमें खर्चा करोगे आप उसमें से खर्चा करोगे तो एप्लीकेशन कैसे मान ले सिंपल सी बात है ना तुमने कॉर्पस से कॉर्पस से निकाल कर खर्चा किया उसको हमने इनकम में इंक्लूड किया ही नहीं है तो उसका में से आपने जब खर्चा किया तो एप्लीकेशन कैसे मानेंगे नहीं मानेंगे ठीक है इट शेल बी कंसिडर्ड एज अप्लाइड इन द ईयर इन विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक ये इसको अप्लाइड मानेंगे हम जब अमाउंट हो इन्वेस्ट होगा यह डिपॉजिट बैक होगा प्रीवियस है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये क्या बोलता है सर कॉर्पस फंड अपना मान लो ट्वेंटी लाख का था अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ कॉर्पस फाइव लैख इट इज नॉट कंसड एज अपलाइड इन प्रीवियस है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कॉरपस फंड फिफ्टीन लैख ,00 था अमाउंट डिपॉजिट कर दिया हमने फाइव लाख बैक इन कॉर्पस ट्वेंटी ,00 हो गया

देता हूं एक बार देखो क्या क्या है गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट विथ बैंक्स और ऑपरेटिव बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी और कॉरपोरेशन ठीक है इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी ठीक है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ अप्रूव फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये सब सेफ सेफ वाले ठीक है आपको याद करना है नहीं एक बार पढ़ लेना ऊपर से एक पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है ठीक है हमने अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी में डिपॉजिट किया अगर हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी में डिपॉजिट किया तो क्या होगा तो एक पॉइंट इसमें अच्छा है वो लिख लो लिखा हुआ है अपन ने यहाँ पे आप पॉज करके लिख लेना बेटा ठीक है इफ यू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी ठीक है एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजेज टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ठीक है हमने इन्वेस्ट किए इन शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजेस टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी अब हम क्या करें हमारी क्या गलती भाई हमने तो पब्लिक सेक्टर कंपनी करके समझ के इन्वेस्ट किए थे देन सच इन्वेस्टमेंट शेल बी डीम्ड टू बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेसेशन ठीक है एंड फॉर एनी अदर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ इट्स मेचोरिटी मैंने क्या बोला कि देखो भैया देखो हमने क्या करना है हमको सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स में करना है इन्वेस्ट हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर में किया अब पब्लिक सेक्टर कंपनी खुद ही बदल गई खुद ही वो अब पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं तो हम क्या करें तो हमारा ना वो अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो क्या माना जाएगा कि हमने थ्री पीरियड थ्री ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है जिस दिन सजेशन भी हो गया वहां से तीन साल तक हमने इन्वेस्ट किया माना जाएगा तो हमको एग्जामेशन मिलता रहे कोई दिक्कत नहीं है या आपने इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टमेंट किया डिपॉजिट में किया किसी पब्लिक सेक्टर सॉरी किसी भी इन्वेस्टमेंट किया है या फिर डिपॉजिट किया है कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट किया है पब्लिक सेक्टर कंपनी में ठीक है तो टिल द रेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी तो इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट मेच्योर जब तक होगा तब तक आपको क्या माना जाएगा कि वहीं पर इन्वेस्टेड है ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ओके okay. तो यहां बेटा ट्रस्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका अपना ट्रस्ट चैप्टर खत्म हो गया ठीक है डन ट्रस्ट चैप्टर डन ठीक है ओके काफ़ी सही रिविजन होगा एक घंटे में एक घंटे पंद्रह मिनट के अंदर हमने रिवाइज कर लिया पूरा ट्रस्ट ठीक है अब वॉट एम थिंकिंग इज कि एग्जिट टैक्स का ना एक अलग रिविजन ले लूंगा ठीक है क्योंकि आज अपना टेन पी एम ट्रांसफर भी वो है ना शेड्यूल्ड तो अपन अभी क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ ट्रस्ट के और एग्जिट टैक्स का अपन अलग से रिविजन ले लेंगे क्योंकि वैसे भी इसका टॉपिक का नाम ट्रस्ट टैक्सेशन ही है ठीक है एग्जिट टैक्स के बारे में लिखा हुआ नहीं है तो एग्जिट टैक्स का मैं अलग से एक रिविजन ले लूँगा थर्टी मिनट्स के अंदर बाद में वॉट से आप लोग मैं अभी दो मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा दो मिनट का ब्रेक मतलब बात करने के लिए दो मिनट का ब्रेक है जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा टाइम स्टाइम डरा रहेगा ब्रेक का यहाँ पे ठीक है टाइम स्टाइम डालते हैं अपना हर लेक्चर में तो यहाँ भी टाइम स्टैम डरा रहेगा ब्रेक का तो आप ना ये ब्रेक थोड़ा आगे बढ़ा लेना ठीक है तो मुझे बताओ बेटा जो बच्चे लाइव बैठे हैं वॉट डू यू थिंक कि हमको एक्सटैक्स अभी करना चाहिए बाद में करना चाहिए सौरभ ने बोला सर यू आर द वन वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू सी स्टूडेंट्स लाइक मी वन ऑफ द वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट्स हाँ टेन पी एम ट्रांसफर प्रसिंग कर लेंगे बेटा अभी ठीक है तो अपन एक काम करते हैं बेटा अभी अपन यहाँ पे बात अपन ट्रस्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर यहाँ पे डन करते हैं क्लास अपनी और टेन पी एम ट्रांसफर प्राइजिंग कर लेते हैं ठीक है उससे क्या होगा उससे ना अपना सब चीज़ लाइन पर चलता रहेगा एग्जिट टैक्स में थोड़े दिन बात करा दूँगा चार पाँच दिन बात करा दूँगा एग्जिट टैक्स अलग से यस ओके डन चलो चलो सर ख़त्म करते हैं ठीक है तो कर ले अपन देखो एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैविंग एनअल रिसीट्स ऑफ थ्री पॉइंट एट करोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री हैज़ अवेल्ड एक्जामिशन अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी सी थ्री ट्वेंटी थ्री सी थ्री एटी द एो हैज नाइट द एग्जामिशन ऑन द ग्राउंड दट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी एप्लीकेशन टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर अप्रूवल अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी थ्री ए डी एग्जामिन द एक्शन ऑफ ए ओ ठीक है ए ओ एग्जामिन करना है तो देखो कि फाइव करोर से नीचे रहा तो थ्री ए डी में मिलता ही है ठीक है तो देयर फॉर द एग्जामिशन अवेलेबल अंडर दिस एक्शन कैन भी अवेल विदाउट मेकिंग एनी एप्लीकेशन टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अलग से कोई प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को एप्प्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है हमने क्या पर पढ़ा था अभी थ्री एडी थ्री ए में थ्री एटी थ्री ए में अगर फाइव करोड़ से कम रहता है अगर थ्री एटी थ्री ई में फाइव करोड़ से कम रहता है तो भी एक्जामेशन मिलता है हमको बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री है ठीक है ओके अब ये देखो क्वेश्चन देखो अ एन पी ओ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट अंडरटेक्स फिलेंथ्रॉफिक एक्टिविटीज थ्रू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री द ट्रस्ट हैड एनुअल रिसीट्स ऑफ थ्री करोस फ्रॉम इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड फोर क्रोर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल

ठीक है अब सर टेन ट्वेंटी थ्री टेन ट्वेंटी थ्री सी फोर फाइव सिक्स सिक्स है इनको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो इनके लिए टाइम लिमिट्स क्या है सर रजिस्ट्रेशन की तो देखो टाइम लिमिट्स वन टू थ्री फोर इज सेम फॉर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी तो वन टू थ्री फोर जो है ना इज सेम है फॉर टेन ट्वेंटी थ्री सी ठीक है मैंने सेम टेबल फिर से नहीं बनाया फिर से टेबल बनाओ फिर से उतना वही लिखो तो मतलब नहीं है आपको बता दिया चारो सेम है फॉर टेन ट्वेंटी थ्री सी ठीक है राइट अब देखो स्वेज मोराटा यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप ऑन फर डिसंबर ट्वेंटी वन द एजुकेशन इंटीट्यूशन हैज नेवर अपलाइड फॉर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी एक्समिशन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नाउ डिसाइड टू अपटेन सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी सिक्स अप्रूवल बिफोर इफेक्टिव फॉम ए वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ंडरस्टैंड टाइम विच विदिन विच इट शुड अपलाई फॉर ऑप्टेनिंग द एग्जीशन अप्रूवल द टाइम विद इन विच अप्रूवल वुड बी ग्रांटेड एंड पीरियड ऑफ वेलिडिटी ऑफ सच अप्रूवल तो देखो कब करना पड़ेगा सर इनको इनको ए वाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर से करना है मतलब प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री मतलब ट्वेंटी एट फेब ट्वेंटी टू वन मंथ प्रायर करना पड़ता है वन मंथ प्रायर करना पड़ता है ठीक है तो वन मंथ प्रायर मतलब कब करना पड़ेगा ट्वेंटी एट फैफ्ट ट्वेंटी टू के पहले करना पड़ेगा अप्रूवल उसको वन मंथ मिलेगा सी आई टी को वैलिडिटी क्या रहेगी प्रोविजनल की थ्री ईयर्स रहेगी ठीक है अब देखो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जी पी यू उसको थ्री थर्टी लैख रुपीज मिले और टोटल डोनेशन वन फोर्टी लैख है ठीक है तो थर्टी लाख मिले उसको एग्रीगेट इन नेचर ऑफ ट्रेड में ट्रेड में थर्टी लाख मिले और टोटल वन फोर्टी लैख है तो वन थर्टी बाय वन फोर्टी कितना होता है बेटा बताओ थर्टी बाय वन फोर्टी ये होता है बेटा ट्वेंटी वन पॉइंट फोर टू परसेंट मतलब ट्रेड से ट्वेंटी परसेंट के ऊपर है ठीक है ट्रेड से ट्वेंट क्या बोलते हैं ट्रेड से ट्वेंटी परसेंट के ऊपर है ठीक है मतलब ये क्या होगा मतलब ये एग्जेप्शन नहीं मिलेगा इनको एग्जेम्पन नहीं मिलेगा अच्छा इसमें एक बात लिखिए सर इट अपलाइड एटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स टोटल रिसीट्स फ्रॉम सच एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर विट्स मेन ऑब्जेक्ट दैट इज़ एडवासमेंट ऑफ जी पी यू तो सर इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है ओके वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ़ इंस्टीट्यूट टोटल रिसीट्स हैज़ बिन वन फिफ्टी इंस्टीट ऑफ वन फोर्टी हाँ देखो अगर थर्टी बाय वन फिफ्टी होगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट तो फिर क्या होगा तो फिर एग्जिम्शन मिल जाएगा तो फिर एग्जिम्पन मिल जाएगा एग्जैक्टली ट्वेंटी परसेंट पर भी एग्जिम्पन मिल जाएगा ध्यान रखना ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ट्वेंटी परसेंट में मिल जाता है ट्वेंटी परसेंट के ऊपर नहीं मिलता ठीक है ओके थर्ड मान लो वाट वुड बी योर आंसर इफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रिलीफ ऑफ पुअर अगर रिलीफ ऑफ पुअर है और टोटल रिसीट वन फोर्टी है तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा तो फिर तो सर कोई दिक्कत नहीं है तो बस वही रहना चाहिए कि भैया इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए ठीक है देखो वही क्वेश्चन है ये वाला मैं बताया था आपको बीच में कि हम एक्यूमलेट कर सकते हैं ये बोल के हम एक्यूमलेट कर सकते हैं ये बोल के कि फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं अपन ठीक है पर्टिकुलराइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है जरूरी नहीं है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट टू पर्टिकुलराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्यूमलेशन इज शॉट ठीक है वही वाला क्वेश्चन थर्टी लैख वन फोर्टी लैख वही है ये एडवांसमेंट ऑफ एनिदर ऑब्जेक्ट ऑफ जी ठीक है तो ये क्वेश्चन अच्छा आ, मतलब इंटरेस्टिंग है कि एक हुंडी है चैटल बॉक्स को तो मंदिर मंदिर में ठीक है थीके? तिरुमला टेम्पल में तो वहाँ पे क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस हुंडी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट फंड ऐसा लिखा हुआ है ऐसा बॉक्स बना हुआ है हुंडी का उसमें लिखा हुआ है कि हाँ तुम जो कॉन्ट्रीब्यूट करोगे कॉर्पस में जा रहा है और आपने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए तो क्या वो कॉर्पस रहेगा यस क्योंकि उन्होंने एम्प्लाइड डिक्लेरेशन दिया था भाई उन्हें दिया था लिखा हुआ कि भाई तुम कॉर्पस में डाल रहे हो अगर तुमने डाल दिया उसमें पैसा तो ये मान लिया जाएगा इट इज़ अ टेस्ट डिक्लेरेशन कि आपने कॉर्पस में दिया है डोनेशन और ट्रस्ट के आप में एग्जाम टूट जाएगा वो ठीक है ये बात थी ये सेम वही क्वेश्चन है सर रजिस्टर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ठीक है कब करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम ट्वेंटी एट फाइव को करना पड़ेगा वन मंथ टाइम मिलेगा और थ्री इयर्स के लिए होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ठीक है <coughs> देखो ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद स्टिपुलेशन दैट द वर्कर ऑफ ऑफ सेटलर ट्रस्ट हैव गॉट प्रेफरेंस ओवर अदर्स तो बेनिफिट मिला वर्कर्स को पर अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पे पढ़ के आए थे कि सेक्शन थर्टीन थ्री जो लिखित पर्सन है नॉट इंक्लूड ऑफ सेटलर ऑफ ट्रस्ट तो इसलिए ये सेक्शन मतलब वो वाला सेक्शन नहीं लगेगा यहाँ पे ठीक है देखो फीस कलेक्ट हुई स्टूडेंट से फोर्टीन करोर्स की कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू न्यू कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी पॉइंट फाइव करोर्स लैंड एक्वायर टू तो बी यूज एज क्रिकेट फील्ड फॉर स्टूडेंट्स टू करोर्स का कर लिया और अमाउंट ईयर मार्ग एंड सेट अपार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्स विद इन नेक्स्ट फोर ईयर्स सब अप्लाइड माना जाएगा पहले फोटीन में से फिफ्टीन परसेंट हटाओ फिर बचा हुआ क्या करो बचाव अमाउंट अप्लाइड मान लो बचाओ अमाउंट अप्लाइड कर दो ठीक है तो क्या आ जाएगा फाइव पॉइंट फोर करोर इनकम आ जाएगी कुछ है ही नहीं इसमें ठीक है ये टेन करोड़ की इनकम टेन लैख की इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट ये भी इनकम इंक्लूड हो जाएगी एंड वॉलंटी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्राम पब्लिक द ट्रस्ट हैज़ अपलाइड समलेवन पॉइंट सिक्स लैख टूवर्स चैरडल पर्पजेज ड्यूरिंग द ईयर विच इज इंक्लूड्स रिपेमेंट ऑफ लोन ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स लैख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑरफेज तो वही पूरा मिल जाएगा देखो पूरा इनकम इंक्लूड हो जाएगा ट्वेंटी वन लैख फिफ्टीन परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा फिर उसमें 17.85 पॉइंट एट फाइव लैख में से माइनस करेंगे अपन जो अमाउंट एट लैख था और थ्री पॉइंट सिक्स लाख था ठीक है टैक्स वाली इनकम सिक्स पॉइंट टू फाइव लैख देखो ये क्वेश्चन कर लेना आप ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है ठीक है और सिर्फ सिक्सटी परसेंट ट्रस्ट ले यूज हुआ है तो फिर सिक्सटी परसेंट का ही अपन एग्जिबिशन देंगे उसमें ठीक है तो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ट्राई करना आप लोग ठीक है बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करना और अपन ट्रस्ट के क्वेश्चन का एक सेशन लेंगे ट्रस्ट के जो अमेंडमेंट्स वाला सेक्शन लेंगे ना सेशन उसमें ट्रस्ट के क्वेश्चन का भी अलग सेशन लेंगे एक अपनी रिविजन सीरीज के बाद अप्रैल में स्मार्ट क्वेश्चन सीरीज आने वाली है सर व्हाट इज स्मार्ट क्वेश्चन सीरीज तो उसमें हम बहुत चुनिंदा चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जैसे पी करेंगे अपन ट्रस्ट करेंगे अपन असिसमेंट असिस्मेंट वाला पूरा तीनों चैप्टर करेंगे एन करेंगे ट्रांसफरप्राइजिंग करेंगे तो इनके सबके क्वेश्चन सीरीज आने वाली है कब अप्रैल मंथ में ठीक है तो उसमें ट्रस्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे अपन लास्ट टाइम भी किए थे अपन ने लास्ट टाइम भी किए थे क्वेश्चन सीरीज उसमें बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया था इस बार भी अपन करेंगे क्योंकि मेनली बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत जाती है तो क्वेश्चन के लिए अलग से सेशन्स और करेंगे अपन ठीक है जिसमें हर चैप्टर के मेनली जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अपन एक घंटे में कवर करेंगे एक से डेढ़ घंटे में हर चैप्टर के ठीक है ओके तो आई होप सब कुछ क्लियर है आपको ठीक है आई होप लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ठीक है चलो ठीक है थैंक यू सो मच बेटा और uh, मिलते हैं अपन टेन पी फॉर ट्रांसफर है ना डन सी यू मिलते हैं बाय